मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी रिसेंटली। आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। लगातार जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं, आप सभी लोगों को वेलकम कर रहा हूं। व्हाट विल यू गेट? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर मिलती हैं। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे। आप सभी लोगों से अगर आप जो है देखें कि अनअकैडमी ही क्यों, वाई अनअकैडमी, तो अनअकैडमी अपने आप में जो है एक इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चॉइसेस प्रोवाइड कराता है, या आपको चॉइसेस प्रोवाइड कराता है कि आपके पास हर विषय पे टीचर्स की एक लिस्ट है और आप अपनी सुविधा अनुसार उन टीचर्स के लिस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सुदर्शन गुर्जर साहब के साथ पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी, मेरे साथ पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी, मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, रोमन सैनी साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, प्रकाश कुमार साहब हैं, आयुष संघी साहब हैं। तो ऐसे बेहतरीन पूल्स हैं टीचर्स के और इन पूल्स के द्वारा आप जा सकते हैं, आप चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी लोगों को कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है, पॉलिटी के कोर्सेस आ रहे हैं, ज्योग्राफी के कोर्सेस आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, एनसीईआरटी समरी का आ रहा है, हिस्ट्री के कोर्सेस, ऑप्शनल के कोर्सेस हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्सेस हैं, आर्ट एंड कल्चर के, तो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप इन कोर्सेज के थ्रू जो है वो जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी आप देखें तो दो तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक तो प्लस मिलेगा और एक आइकॉनिक मिलेगा, दो तरह के सिस्टम आपको मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस को देखें तो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, पर्सनल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्लस में मिलती हैं। एक महीने की फीस 9000 है, तीन की 22500, लेकिन मैं इन चीज़ों को प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूँ कि यूपीएससी के सिलेबस को देखते हुए मिनिमम एक साल से डेढ़ साल का ये कोर्स है जिसको पढ़ना होता है। अगर आप एक से डेढ़ साल का कोर्स को आप देख सकते हैं तो आपको क्या देखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एक से डेढ़ साल में आपको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेस हैं बड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से ऑप्शनल की तैयारी, तो ये एक लंबा प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में आपसे कोई एक से डेढ़ साल लगेगा, तो आप ये 12 से 36 महीने के कोर्सेज को आप अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ज्वाइन करने के क्रम में 49,500 है, यहाँ पर 44,550 आप दे सकते हैं, 72,000 है, 64,800 दे सकते हैं, 90,000 है, 81,000 रुपये आप दे सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोड गलत मेंशन है, कोड यहाँ पे कोड आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा कोड है मुकुलदेव, मेरा कोड है, आप इस कोड के थ्रू जा सकते हैं, यहाँ पर आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। आइकॉनिक अगर हम सब्सक्रिप्शन को देखने की कोशिश करेंगे तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12, 24, 36 महीने का है, यहाँ पर 69,500 फीस है, जिसको आप 62,550 कर सकते हैं। वहीं 24 महीने का 1,07,000 है, इसको 96,300 रुपये आप दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्यों आइकॉनिक क्यों, क्योंकि मेरा फेवरेट क्या है, मेंटरशिप। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिना मेंटर के आप कहीं अपनी वैल्यू या अपना स्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ कभी फ्लैट नहीं होती है, जिंदगी बहुत सारे उतार चढ़ावों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जब आप गिर रहे हों या काफ़ी लो मोमेंटम फील कर रहे हों तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल सकती है और इस मेंटरशिप के द्वारा जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, क्योंकि मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यूपीएससी आपसे दूर है, यूपीएससी आपसे दूर है, आपको मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना ही चाहिए। स्टडी प्लानर आपको होना चाहिए कि स्टडी का प्लान आप करें, पर्सनलाइज फीडबैक कि कौन सा ठीक है कौन सा खराब है, तो पर्सनलाइज फीडबैक को आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं पर आपको सर्वाधिक बल देना चाहिए। वहीं अगर आप ऑप्शनल को देखते हैं तो ऑप्शनल में एक तो वैरायटी ऑफ पूल है, ज्योग्राफी भी है, अगर आप देखें तो एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इस तरह से सारे लगभग जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर देखें तो लिटरेचर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तमिल हो, तो इस तरह से आपको ये सारे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो फिर से मैं 1 और 6 महीने की फीस पे आपको नहीं लेके जाऊँगा, 12 या 24 महीने के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं बाहरी दुनिया से, मतलब बाहरी दुनिया का मतलब है
कि अगर आप इनको कंप्रेजन कर लें कि बाहर जो लोग तैयारी करवा रहे हैं ऑफलाइन तैयारी, तो ये फीस काफी सस्ती होंगी, ये फीस काफी सस्ती होंगी। और फिर यहाँ पे आपको चॉइसेस मिल जाएगा। मान लीजिए ज्योग्राफी के 3 टीचर हैं और आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन, तो आप इनसे भी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इनसे भी पढ़ सकते हैं, इनसे भी पढ़ सकते हैं, आपका जिससे मन है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के चॉइसेस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहां पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मैं अपने कोड को बता दे रहा हूं। मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है, और आप इस कोड को ज्वाइन करा सकते हैं और ये चीजें यहां पर आप कर सकते हैं, जो है ये देखिएगा। यहां पर जो कॉम्बैट सेशन है वी भी स्टार्ट हो रहा है, 45 मिनट का कॉम्बैट है, 60 क्वेश्चन है इसमें, 13 कॉम्बैट है, यहां पर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट से थर्ड रैंक की जो व्यवस्था दी गई है, इसमें आपको यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, 1000 अमेजन बाउचर मिल सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। 2021-22-23 को लेके नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें कि 6 महीने के बैचेस में आप देखें तो तमाम बैचेस हैं, बाइलिंगुअल भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। इस तरह से बैचेस जो हैं यहाँ पर कई बैचेस हैं, आप इन बैचेस में जो बैचे आपको पसंद आए, जीएस की पूर्ण तैयारी हिंदी में भी है, बैचेस इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं और उन कोड के थ्रू आप अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। तो ये है मुकुल देव की तैयारी, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरह से 2 ईयर का भी बैच कोर्स है, एनसीईआरटी बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स है, जिसमें 25 जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बैचेस कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि आइकॉनिक प्राइसेस जो हैं वो हाइक होने वाली हैं, और आइकॉनिक प्राइसेस जो हाइक होने वाली हैं उसमें संभावना ये है कि 25 जनवरी के बाद ये प्राइस हाइक होने वाली है। तो आप पर्सनल कोच के द्वारा अगर जुड़ना चाहते हैं, अपने इवैल्यूएशन मेथड्स से जुड़ना चाहते हैं, कस्टमाइज योर स्टडी प्लान करना चाहते हैं, बूस्टर सेशन चाहते हैं, हाई डेंसिटी वर्कशॉप चाहते हैं, आंसर जो मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो चाहते हैं, एक्सेलरेटिव प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप ये सारी चीजें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जो है वो जा सकते हैं, इस सब्सक्रिप्शन को कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आप समझने का प्रयास करिएगा कि ऑप्शनल और जो प्लस है, कई लोगों का डिमांड था कि सर हम आइकॉनिक में जीएस को ले लेते हैं और प्लस में ऑप्शनल को ले लेते हैं, तो अनअकैडमी ने इस डिमांड को पूरा किया, लोगों की संवेदना को समझा, और वहां पर इन्होंने जो है 12 महीने की फीस पे 88,705 रुपए और 24 महीने का 1,31,510 रुपए, 36 महीने का 1,67,220 रुपए, तो इस तरह से इन्होंने एक वो कैटेगरी कर रखी है। यहां पर भी आप जा सकते हैं और आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि 12 महीने का 70,000 रुपीज है, वहीं पे 24 महीने का 99,680 रुपए है और 36 महीने का 1,21,200 रुपए है। तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। अब देखिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, तो मैं आज के विषय में आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जो है करने वाले हैं कि जो हम लोग करंट सीरीज अपने आरोहण में पढ़ते हैं, आरोहण हम लोग देखते हैं, आरोहण का डेली 8 बजे मॉर्निंग में क्लास होता है, 8 बजे हम लोग आरोहण की क्लासेस करते हैं, जिसमें हम लोग जो है जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो भी आने वाले में संभावना लगती है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, उनको हम लोग उठाते हैं और वहां पर हम लोग करते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे आरोहण यूपीएससी हिंदी पे करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ सेशंस छूट जाते हैं, तो उनकी एक कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया गया है कि क्वेश्चन है फिर उसका आंसर बताइए, और उस पर मैंने पूरा का पूरा घटनाक्रम को वापस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब में कर रहा हूं। तो हम लोग ये सीरीज अब करने जा रहे हैं, तो यहां पर हम लोग चलते हैं आपके उस पर। पहला जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पहला जो कथन है यह मैं कथन आपके लिए पढ़ता हूं, यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर बनाया जाता है, पहला है। दूसरा जिस पासपोर्ट को जितने अधिक देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगा वह उतना ही मजबूत माना जाएगा, यह दूसरा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, दोनों कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन गलत है। सी ऑप्शन है केवल एक सही है। डी ऑप्शन केवल 2 सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? 1 मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, मैं क्लास ले रहा हूं। तो ये आपके सामने जो है
वो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट पे ये क्वेश्चन बना है। हैनले पासपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है, पासपोर्ट इंडेक्स, तो इस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इसको किसने जारी किया है, किन के आंकड़ों पर बनाया गया है। तो चला चलते हैं, अब यहाँ पर आंसर है तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, दोनों कथन यहाँ पर आंसर जो है वो ए है, दोनों कथन सही हैं। अब जरा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। जो हैनले पासपोर्ट पे बातचीत की जा रही है, ये देखिएगा यहाँ पर हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। हेलो, क्लास ले रहा हूँ। हेलो, हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जो है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। तो ये कहीं ना कहीं जो पहला स्टेटमेंट है आपका, वो पहला स्टेटमेंट सही है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको आंकड़ों को निकालता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप अपने दूसरे स्टेटमेंट को चेक करें तो यहाँ पर लिखा है कि जिस पासपोर्ट को जितने अधिक देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलेगा वह उतना ही मजबूत माना जाता है। अब ये बात आप समझिएगा कि मान लीजिए ये पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट जितने देशों में जाता है, मान लीजिए ये पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट से आप जितने देशों में जाएं वहां पर अगर वीजा आपको नहीं लेना पड़े तो इस ये माना जाता है कि ये पासपोर्ट जो है वो उतना ही जो है मजबूत पासपोर्ट है। और ऐसे में जो नंबर वन की स्थिति है, वो नंबर वन की स्थिति किसकी गई है, वो नंबर वन की स्थिति जापान की है। जापान जो है वो नंबर वन स्थिति में है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आपको बहुत सारे देशों में क्या है कि आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नंबर वन की स्थिति में देखा जाए तो एशिया का देश जो है जापान, एशिया कॉन्टिनेंट का देश जापान, ये बड़ी बात है कि जापान जो है वो नंबर वन पर है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको देखने में यूपीएससी में या अन्य जो एग्जाम्स हैं उनमें देखने को आपको मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो 110 देशों की सूची में टोटल जो 110 देश हैं, 110 देश इसमें शामिल हुए थे, उन 110 देशों की सूची में देखा जाए तो जो भारत है, इंडिया की रैंकिंग जो है वो 50वें नंबर पे है, 85 नंबर पे है, 85 नंबर पे भारत है। और अगर देखा जाए तो 110 नंबर पे ही अफगानिस्तान जो है, तो वो भी एशिया का ही देश है, अफगानिस्तान जो है वो 110वें नंबर पे अफगानिस्तान का नाम आता है। तो स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग जापान से होती है, स्टार्टिंग भी जो होती है नंबर वन की रैंक वो भी जापान का ही है और वो भी एशिया कॉन्टिनेंट से ही है। और अगर नंबर टू को देखने के या नंबर लास्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी अफगानिस्तान है, वो भी एशिया का ही देश है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उस पर बताया। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति 85वां रैंक भारत का है। अगर हम पहले दो दूसरे तीसरे स्थितियों की थोड़ी सी गणना करने की कोशिश करें तो चूंकि पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है तो जापान है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर ये भी एशिया से ही है, थर्ड आप देखें तो साउथ कोरिया ये भी एशिया से ही है। तो लेकिन थर्ड फोर्थ को अगर देखें तो इनकी रैंकिंग जो है वो 189 189 है। तो साउथ कोरिया ये एशिया से है और ये यूरोप से है। तो आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होगी कि पहले दो तीन देश जो हैं जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया, आप इनको कर सकते हैं, आप इनकी कोडिंग कर सकते हैं कि जापान है, पहले जापान पड़ता है, फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सिंगापुर है, फिर यहाँ पे साउथ कोरिया है। तो कुछ इस तरह से आप मैपिंग का लोकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो यूरोप का नाम आता है, इस तरह से चौथे नंबर पे यूरोप है। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है वो 85वां रैंक है। अब जरा हम देखते हैं कि भारत का जो स्थान है 85वां रैंक है, तो जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो भी भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स हैं, मान लीजिए ये भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, तो यहाँ पर हैनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें ये देखा जाता है कि जो जिसके पास जो भी पासपोर्ट होगा वो कितने देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। तो अगर हम भारतीय पासपोर्ट की स्थिति देखें तो कौन कौन से देश हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं भूटान का नाम है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने पहले पड़ोसी देशों को देखने की कोशिश करते हैं, तो भूटान है, मालदीव है सेकंड, म्यांमार को भी ले लेते हैं तो म्यांमार थर्ड है, नेपाल चार है, श्रीलंका पांच है, तो श्रीलंका पांच है। तो यहां पर इतने देशों में जाने पे हमको कहीं ना कहीं हमको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि बांग्लादेश का नाम नहीं है, बांग्लादेश का नाम नहीं है, अफगानिस्तान का नाम नहीं है, बांग्लादेश का नाम नहीं है, अफगानिस्तान का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो इन तीनों कंट्रीज को भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको जाने में पासपोर्ट की जरूरत होती है। वहीं पर अगर आप देखें तो जो आपके
पास के देश हैं जो भारत से जिनकी सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो म्यांमार हो, तो इन देशों में आपको जरूरत नहीं है, चाहे वो भूटान हो। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात समझे रखिएगा। उसके बाद उन देशों को देखते हैं जो देश और हो सकते हैं, तो उनमें हम थाईलैंड को देखते हैं। थाईलैंड है, केन्या है, मॉरिशस है, सेसेल्स है, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान और कतर। अब इतने देशों को हम याद तो नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो हम एक काम कर लेंगे कि हम मैप ले लेंगे, और मैप पे हम क्या करें कि मैप पे एक मैप ले लें और उस मैप पे हम लोकेशन कर दें, और उस लोकेशन में हम लिख दें कि हेनरी जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसके माध्यम से जो भारत का 85वां रैंक है, वहां पर किन किन देशों में हम फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास पासपोर्ट हो और हम फ्री मूवमेंट करें। तो ऐसे देशों की संख्या में जब हम देशों की संख्या जोड़ने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन 16 देश के आसपास 16 देश हैं, और उन 16 देशों की हम क्या करते हैं, हम 16 देशों को इसी मैप पे हम लोकेट कर दें, तो ये हमेशा हमारे जेहन में बना रहेगा। और अगर हम पिछले वर्ष से भारत की तुलना करें तो नो डाउटली रैंकिंग में भारत में गिरावट आई है। पहले जो भारत की रैंकिंग थी वो 82वां थी, अब जो भारत की रैंकिंग है वो 85वां रैंकिंग है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वह 85वां रैंकिंग है भारत के साथ साथ। और अगर भारत अपने पड़ोसी देशों को देखने की कोशिश करे तो उनकी स्थिति क्या है, तो अपने पड़ोसी देशों पर भारत की जब नज़र जाती है तो उसमें चीन के अतिरिक्त जो सभी पड़ोसी देश हैं उनसे मुकाबले में हम कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर स्थिति में हैं। चीन के अतिरिक्त सभी देशों से हम बेहतर स्थिति में हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रैंकिंग में चीन का जो है वो 70वां स्थान है, वो हमसे ऊपर है। वहीं भूटान हमसे नीचे है, 90वां है। श्रीलंका 100वें स्थान पे है, बांग्लादेश 101 पे है, नेपाल 104 पे है, और पाकिस्तान 107 पे है, और अफगानिस्तान 110 पे है। तो ये थोड़ा सा आपको ये बात समझनी होगी, कंपेरेटिवली स्टडी आप किए रहिएगा कि चाइना जो है वो आपसे ऊपर है। चाइना की स्थिति जो है वो आपसे ऊपर है, वो 70वें रैंक पे है। मतलब चाइना का अगर आप पासपोर्ट रखे हैं तो वो चाइना के पासपोर्ट के कारण आप इतने देशों में फ्री वीजा आपको मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी बता दी। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जिसके द्वारा ये निकाला जाता है, उसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में उसका मुख्यालय है, और उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1945 है। ये यूपीएससी से तो संबंधित नहीं है लेकिन अन्य एग्जामों में ये पूछ सकता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। हेनली और पार्टनर्स मुख्यालय स्थान जो हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स निकालता है, ये यूनाइटेड किंगडम इसका स्थापना है और ये 1997 में वो हुआ है। तो ये कुल मिलाकर देखिए, अब इस पे क्या हुआ कि ये एक पढ़ने का तरीका है कि हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन उठा लिया और क्वेश्चन उठाने के माध्यम से हमने उस पे सारे विषय पे जितना भी कॉन्सेप्ट भी या जितनी भी चीज जानकारी थी उन जानकारियों को हमने जुटा लिया है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं तो अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सैंडबोआ। सैंडबोआ पे निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए सैंडबोआ। पहला जो कथन है वो है, इसे रेड सैंड बोआ सांप भी कहा जाता है। पहला, ये शाकाहारी सांप होता है जो अनाज पर निर्भर करता है। दूसरा, ये शाकाहारी सांप है जो अनाज पर निर्भर करता है। तीसरा, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन को अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये साइट्स की प्रतिशत संख्या 11 के तहत संरक्षित है। तो आपको इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उन गलत कथनों को गलत कथन बताएं कि गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सैंडबोआ के और इसमें गलत कथन को बताएं कि गलत कथन कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ढंग से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसे इनमें से कौन से गलत कथन है या इनमें से असत्य कथन कौन है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, असत्य कथन जो है वो बी है। अब जरा हम लोग इसको चलते हैं, सैंडबोआ सांप को देखते हैं। सैंडबोआ सांप को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर भारत में जो सैंडबोआ सांप है
जो सैंड बुआ सांप है, इसी को रेड बैंड सैंड को रेड रेड सैंड बुआ सांप भी कहते हैं, रेड सैंड बुआ स्नेक भी कहा जाता है, स्नेक भी कहा जाता है, पहले बात याद रखिएगा। फिर ये जो सांप है, इस सांप की खूबी ये होती है कि यहाँ पे इसके दो मुंह होते हैं, कहीं कहीं इसके दो मुंह वाला सांप भी इसको कहा जाता है, इसके टू हेडेड स्नेक भी कहा गया है इसको, टू हेडेड स्नेक भी कहा गया है इसको, टू हेडेड स्नेक भी कहा गया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एरिक्स जॉनी है, एरिक्स जॉनी इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये एक मिथ है, या इस पे अभी कोई वो नहीं है, लेकिन मिथ ये है कि कहीं ना कहीं इस सांप को सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो जादू टोना के लिए किया जाता है, जादू और टोना के लिए किया जाता है इस सांप का। इसको लेके कहीं ना कहीं इस सांप की जो काला व्यापारी है या जो अवैध तस्करी है वो बहुत ज्यादा है, और लोगों को डिमांड सांप की बहुत ज्यादा रहती है ताकि वो इन सब चीजों में कर सकें। इन सांप का कहीं ना कहीं जो उपयोग है वो कई लोग दवाओं में करते हैं, सौंदर्य के प्रसाधनों में करते हैं, और निर्माण में किया जाता है। तो इसलिए इसकी अवैध तस्करी या इसकी डिमांड जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा है इस सांप का। सांप की तरह सैंड बुआ भी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो सांप है, ये सांप जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर, चूंकि ऑप्शन क्या था वहां पर लिखा गया था कि जो सैंड रेड सैंड बुआ सांप है वो शाकाहारी है, तो शाकाहारी नहीं है वो, अपने आप में मांसाहारी है। वो चूहे भी खाता है, छिपकली मेंढक खरगोश आदि को अपना शिकार बनाता है। तो वो जो ऑप्शन था वो ऑप्शन गलत था। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो जो याद रखने हैं वो, इसको रेड सैंड बुआ स्नेक भी कहा जाता है, टू हेडेड स्नेक भी है ये। अगर हम देखें तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, तो उस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसको क्या किया गया, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। क्यों प्रोटेक्शन दिया गया है, क्यों, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं, चूंकि इसका उपयोग बहुत ज्यादा, इसके यूजेस को देखते हुए इसकी अवैध तस्करी बहुत ज्यादा थी, इलीगल जो है ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा थी, इसका दवाओं में यूज करने के कारण, सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण के कारण इसको लोग बहुत ही यूटिलाइज करते थे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत सरकार का है, उस वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। और चूंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो है 6 अनुसूचियां हैं, तो उस 6 अनुसूची में जो है इसको कहीं ना कहीं उस 6ठी अनुसूची के तहत इसको वहां पर जो है 6 अनुसूचियों में इसको क्या किया गया, संरक्षित करने का प्रयास किया गया। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अगर इसकी अवैध तस्करी पाई जाती है तो दंडनीय क्या है, दंडनीय अपराध है। तो अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। ये वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया कि भारत सरकार ने देखा कि जो वन्य जीवन है, जो भी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ में आपका वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या, तो यहाँ पर आप जीव जंतु को भी ले सकते हैं, तो जो एनिमल्स हैं उनको ले सकते हैं, यहाँ पे एनिमल्स को ले सकते हैं, यहाँ पे प्लांट को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल्स है, जो भी जंगल में रहने वाला जिसमें लाइफ पाई जाती हो उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो यहाँ एनिमल और प्लांट्स को तो क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके कंजर्वेशन करने का, इनके इनके संरक्षण करने का जो प्रयास है भारत सरकार का वो किसके तहत है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। तो यहाँ भारत सरकार इनका कंजर्वेशन करना चाहती है, पहला बात याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। दूसरा जो है, भारत सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उनकी जो अवैध तस्करी हो रही है उस अवैध तस्करी को रोका जाए, जो अवैध व्यापार है वो भी रोका जाए, और इनका क्या होना चाहिए, तो इनका संरक्षण होना चाहिए। तो यही है कि भारत सरकार जो है वो वन्य जीवन की रक्षा करे प्रभावी ढंग से, और अवैध तस्करी वन्य जीव और इससे जो अवैध व्यापार की नियंत्रित करने का उद्देश्य जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। ये जो 1972 में बना था इसको 2003 में क्या किया गया, इसको 2003 में संशोधित करने का प्रयास किया गया, और इस कानून को और अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया गया। पहले इस कानून में जो कठोरता नहीं थी तो उसको लाने का प्रयास किया गया, और कब कहीं ना कहीं इसको दंडनीय अपराध बनाया गया, और इसमें जुर्माना की भी बातचीत जो है वो लागू की गई। तो अपराध को कानून के तहत जो है उसमें जुर्माने को और अधिक कठोर बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं जो मंत्रालय है उसने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन किया, और इन संशोधनों के कारण अब जो है कहीं ना कहीं ये पूरा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये पहले की तरह क्या था, पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना तो, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं था।
अब ये क्या है, इसकी प्रभाविता ज्यादा है और इसकी प्रभाविता को देखते हुए जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है वनस्पतियों और जीव और पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जो है वह सुरक्षा प्रदान करता है। जो रेड सैंड बोआ है वो रेड सैंड बोआ को अनुसूची चार के तहत जो है वो हम क्या किए हैं, अनुसूची चार के तहत जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। अनुसूची चार के तहत इसमें छह अनुसूचियां हैं, तो हम लोग एक एक करके एक पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं अनुसूची देखते हैं। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, तो जो पहली अनुसूची है वो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में लगभग वही बातें हैं, लगभग वही बातें हैं। तो इसमें खाली एक चीज हम समझ सकते हैं कि इस अनुसूची में जो पहली और दूसरी है, इसका मोटा मोटा क्रक्स ये ले सकते हैं कि पहली और दूसरी अनुसूची में जो जो वन्य जीव है, उस वन्य जीव में कहीं ना कहीं जलीय जंतु, सरीसृप, ये सब शामिल हैं। जलीय जंतु भी शामिल हैं, रेंगने वाले भी शामिल हैं और जो उसमें रहते हैं उनके तहत जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड जो इनकी अनुसूचियां हैं उसमें दंड का प्रावधान है, उसमें सजा का प्रावधान है और कहीं ना कहीं इनके संरक्षण का प्रावधान है। तो पहली और दूसरी अनुसूची इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी अनुसूची में अगर हम जाते हैं, तीसरी और चौथी में, तो वहां पर वन्य जानवरों को यहां पर संरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। मतलब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में भी संरक्षण का प्रयास है, लेकिन पहले और दूसरा जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पहला और दूसरा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप अवैध तस्करी करते हुए पाए जाते हैं या अवैध शिकार करते हुए पाए जाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, ये दंडनीय अपराध है और जुर्माना है। लेकिन तीसरा और चौथा जो अनुसूची है वह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। पांचवी अनुसूची में जाएंगे तो पांचवी अनुसूची में यहां पर कहा गया कि उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है, या यहां पर एक वर्मिलियन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक वर्मिलियन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आता है। वर्मिलियन स्पीसीज का मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जो उस पर्यावरण या उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन सकी हो, खतरा बन जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको खत्म कर सकते हैं या आप उसका शिकार कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है अनुसूची पांच में है। तो आपको यूपीएससी हो सकता है कि कभी पूछ ले कि वर्मिलियन स्पीसीज का क्या मतलब है, या वर्मिलियन स्पीसीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2003 में कहां पे शामिल किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि वर्मिलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिसके कारण वहां के पर्यावरण या वहां के पारिस्थितिकी तंत्र या वहां के आसपास के जो जंतु, जीव जंतु या जनजीवन है उनको खतरा हो, तो ऐसे में उस स्पीसीज का शिकार जो है वो वहां पर किया कर सकते हैं आप। तो अनुसूची पांच में इनकी बातचीत की गई है। अनुसूची छह, इस बार यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था वो अनुसूची छह से पूछा था। इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है। तो इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है। तो अनुसूची सिक्स जो सिक्स थी, इसी सिक्स को जो है यूपीएससी ने इस बार 2020 में पेपर हुआ था उसको लेके यहां पर सवाल पूछे गए थे। तो इस सवाल का मैंने आपको जवाब यहां पर दे दिया कि कुल मिलाकर यहां पे है। अब एक अगर आप देखें तो रेड सैंड बोआ को कहा गया कि ये जो रेड सैंड बोआ है वो साइट्स के अंतर्गत भी संरक्षित है। भारत सरकार में जो भी लगभग जो वाइल्ड लाइफ है, वो वाइल्ड लाइफ जो है वो दोनों तरह से संरक्षित होते हैं, साइट्स के द्वारा भी संरक्षित होते हैं और भारत में कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2003 जो संशोधन हुआ उसके द्वारा भी होते हैं। तो साइट्स को देख लेते हैं कि साइट्स क्या है। तो साइट्स जो है वो एक संस्थान है, कहीं ना कहीं एक संस्थान है। और ये संस्थान कैसा है, तो ये विभिन्न देशों के बीच में एक बहुपक्षीय संधि या समझौता है, मल्टीलेटरल समझौता है। और इस मल्टीलेटरल समझौते में किस बात को ध्यान में रखा गया, तो वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक तरह का ये कन्वेंशन है। मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो फौना हो चाहे वो फ्लोरा हो, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उस पे कन्वेंशन पे ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक रोक है। तो ये आपको बात यहाँ याद होनी चाहिए। दूसरा, इसके माध्यम से जो वन्य जीव हैं और ये जो वनस्पतियां हैं उनकी संकट पर जो प्रवातियां हैं उनका अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यहाँ पर रोक लगी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर रोक लगाई गई है। भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत में जो भारत जो है वो 183वें सदस्य के रूप में इसका सदस्य है और यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई 1975 से लागू हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आपको साइट्स एक लाइन में कोई पूछे कि साइट्स क्या है, तो साइट्स एक ऐसी संस्था के रूप में याद रखने की जरूरत है जो फ्लोरा और फाना को क्या करती है, फ्लोरा और फाना के कंजर्वेशन पे उसका ध्यान है। और दूसरा, जो इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है
उस पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने का एक बड़ा प्रयास है वर्ल्ड की तरफ से, और जो सरकारें हैं वो सरकारें जो हैं इसको इस चीज को सपोर्ट भी करती हैं। तो ये कुल मिलाकर साइट्स पे हमने बात कर ली। जो रिट्स एंड बोआ है, ये रिट्स एंड बोआ कहीं ना कहीं परसिस्ट दो के तहत क्या है, अपने आप में एक संरक्षित है। तो ये हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लिया। उम्मीद करता हूं कि इस तरह से पढ़ना आपको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आपने सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं। चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। लिथियम आयन बैटरी, तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। लिथियम आयन बैटरी संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो है 1980 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन गुडनेफ और कोइची मिजुमिशिमा ने रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का निर्माण किया। ये पहला उसका वो है ऑप्शन है। जो दूसरा ऑप्शन है, आयन बैटरी या ली आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, मतलब इसको पुनः चार्ज किया जा सकता है। तीसरा जो ऑप्शन है, इन बैटरियों को लेकर सुरक्षाएं चिंताएं भी बनी रहती हैं। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक मिनट का समय भी है, आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप सभी लोग बता भी सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। लिथियम आयन बैटरी के संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1980 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन गुडनेफ और कोइची मिजुशिमा ने रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का निर्माण किया। जो सेकंड है वो आयन बैटरी या ली आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल पुनः चार्ज की जाने वाली बैटरी है। तीसरा, इन बैटरियों को लेकर सुरक्षाएं चिंताएं भी बनी रहती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी में केवल 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ए, आंसर जो है वो ए है। आइए देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा लिथियम आयन बैटरी को, क्योंकि हाल में लिथियम आयन बैटरी पे बहुत सारी बातचीत की गई है। जो लिथियम आयन बैटरी पे जो सर्वाधिक जो सबसे पहले काम किया गया था वो 1980 में ही किया गया था, 1980 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, मैं एक बार आपके सामने नोट कर दे रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन गुडनेफ साहब थे और कोइची मिजुमिशिमा साहब थे। तो इन लोगों ने मिलकर क्या है, रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का निर्माण किया था। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जो आयन बैटरी या ली आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी, हाँ एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। जो लिथियम आयन बैटरी की बातचीत की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इससे बनते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इससे होता है, एरोस्पेस में इसका यूज होता है। लिथियम जो आयन बैटरी है ये कहीं ना कहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनके लिए पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत है। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, मतलब ऐसे वाहन जो कि कहीं ना कहीं पेट्रोल से भी चल सकें और कहीं ना कहीं बैटरी से भी चल सकें या बैटरी से चलने वाले वाहन, तो इनको हाइब्रिड वाहन कहा गया है। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो एरोस्पेस में भी यूज किया जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी यूज किया जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी जो प्रौद्योगिकी है वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पसंदीदा ऊर्जा का स्रोत बन गई है। लिथियम आयन बैटरी की कमियां क्या है? तो लंबी चार्जिंग अवधि इनकी जो मतलब जो सबसे बड़ी कमी क्या है कि काफी लंबा समय लेती है चार्ज होने में। तो एक तो लंबी चार्जिंग अवधि है, कमजोर ऊर्जा का घनत्व है इनका। कई बार जो बैटरियां हैं, यहां पर अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा गया, थर्ड इनमें सुरक्षा चिंताएं हैं। जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो किस लिए हैं? क्योंकि कई बार यहां पर आग लगने की जो घटनाएं हैं उस आग लगने की घटनाओं को देखा जाता है, तो इसलिए ये भी है। और जो खर्चीला निर्माण प्रक्रिया, जो लिथियम आयन बैटरी है वो अपने आप में एक खर्चीली निर्माण प्रक्रिया के कारण जानी जाती है। तो मतलब सबके लिए रेडी टू यूज नहीं है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबके पास क्रय क्षमता एक ही तरह की नहीं है कि आप लिथियम आयन बैटरी का यूज कर सकें। तो इसलिए लिथियम आयन बैटरी की ये सब कमियां हैं कि लंबी चार्जिंग अवधि है, कमजोर ऊर्जा घनत्व है, खर्चीली निर्माण प्रक्रिया है। तो ये मैंने आपको कुल मिलाकर यहाँ पर बात बता दी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं लिथियम को देखते हैं कि लिथियम क्या है।
लिथियम अपने आप में एक सॉफ्ट जो है सिल्वर वाइट मेटल है, एक सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल है, जो कि क्या है, जो केमिकल एक मतलब इसके बारे में समझ लीजिएगा, लिथियम के बारे में सिल्वर वाइट मेटल है जो कि एल्कली मेटल ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट से बना होता है। इसका सिंबल जो है वो Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। सॉफ्ट होता है सिल्वर वाइट मेटल के रूप में इसको जाना जाता है। बेसिक होता है कि एल्कली होता है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए, वाइट मेटल है, ये वाइट मेटल है, वाइट मेटल है। इसका जो एटॉमिक नंबर है, हो सकता है कहीं इससे सवाल हो जाए, एटॉमिक नंबर इसको 3 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है इसका। Li इसका सब वो है, कैसा है, बेसिक है कि एल्कली है, एल्कली नेचर का है, एल्कली मेटल है, कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, तुरंत जो है वो इसकी अभिक्रिया हो जाती है। लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स है, जितने भी मेटल्स देखे जाते हैं उनमें कैसा है, हल्का है, लीस्ट डेंस है, बहुत ही कम डेंस है, सॉलिड एलिमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो मेटल पोटेंशियल इसमें पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि पूछा जा सकता है तमाम तरह के एग्जामों में, नहीं यूपीएससी में तो यूपीएससी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जामों में इसे पूछा जा सकता है कि मिरेकल एलिमेंट किसको कहते हैं, तो मिरेकल एलिमेंट के रूप में जो है वो लिथियम का नाम लिया जाता है। ये लिथियम पे मैंने आपको ये बात बता दी। भारत को, भारत में लिथियम का क्वेश्चन मैंने बनाया क्यों, क्योंकि ये समझिएगा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इस बीच हुई हैं लिथियम को लेकर, उन पे मैं थोड़ी सी आपको बातें जो हैं वो मैं बता देता हूँ, वो मैं आपको बात यहाँ पर बता देता हूँ। भारत में देखा जाए तो जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है वो गुजरात में स्थापित की जाएगी, अभी हाल ही में ये कहा गया है। लिथियम अब तक रिफाइनरी भारत में नहीं थी, वो अभी हाल ही में स्थापित की जाएगी लिथियम, क्योंकि भारत में लिथियम जो है वो पाया भी नहीं जाता है, लिथियम बाहर, भारत में बाहर से मंगाया जाता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, चाइना से मंगाया जाता है, तो लिथियम भारत में होता भी नहीं है, तो इसको बाहर से मंगाया जाता है। तो लिथियम रिफाइनरी भारत स्थापित करने जा रहा है, कहाँ पे, गुजरात में स्थापित की जाएगी। और अगर देखा जाए तो गुजरात में छोटी छोटी जो है वो लिथियम को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे में अगर आप भारत जो गुजरात में अगर बड़ी लिथियम रिफाइनरी बनेगी तो कहीं कहीं गुजरात एक नए लिथियम के रूप में एक नया हब बन के आएगा। पहले ही जो गुजरात है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हब है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है, अब वो लिथियम इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा हब होने की संभावना इसमें भारत सरकार व्यक्त कर रही है। आधिकारिक सूचना अगर देखा जाए तो जो भारत की बड़ी बिजली निर्माण की कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, जिसका नाम है मणिकर्ण पावर लिमिटेड इंडिया, ये रिफाइनरी स्थापित करने जा रही है और 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी ये करेगी। भारत में देखा जाए तो आमतौर पर भारत में ये नहीं पाया जाता है, और इस वजह से जो लिथियम था वो रिफाइनरी में ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयस को आयात किया जाता है, लेकिन अब आप भारत अपने यहां पर ही लिथियम रिफाइनरी बना रहा है। भारत जो है, एक खबर ये है इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल में ही घटी है, दूसरी खबर एक और इंपॉर्टेंट है कि जो साउदर्न अमेरिकन देश है, मैं लिख देता हूं, जो साउदर्न अमेरिकन कंट्री है, साउदर्न अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना है, साउदर्न अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना, वहां पर लिथियम भंडारों की खोज जो है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो अभी एक नव स्थापित कंपनी है जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसने वहां पर अर्जेंटीना की कंपनी के साथ एक समझौता किया है कि वह लिथियम के भंडारों की खोज करेगी। तो ऐसे में ये भी खबर आई थी, तो इस खबर को भी लिथियम लेके इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो चूंकि भारत सरकार क्या है, भारत सरकार लगातार जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पे भारत सरकार का बड़ा बल है, इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पे, क्योंकि भारत सरकार ने पेरिस एग्रीमेंट कर रखा है और पेरिस एग्रीमेंट में भारत सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन फॉसिल फ्यूल से भारत को मुक्ति मिले, भारत को फॉसिल फ्यूल्स के जो उत्सर्जन होता है उससे मुक्ति मिले। तो ऐसे में वो इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पे जाती है और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में लिथियम आयन की बैटरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं यूज होने की संभावना है। तो इसलिए भारत सरकार आने वाले कल की दिशा में बढ़ता हुआ कदम बढ़ाने के लिए अपने आने वाला जो वर्तमान है उसमें सब प्रयास कर रही है कि वो तमाम जगह से, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं चाइना पे अपनी आयात निर्भरता को कम करना चाहती है,
तो इसलिए वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भी जहाँ दुनिया के दो देश हैं वहाँ पर अपने को स्टेब्लिश करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित होने जा रहा है, जिसमें कि मणिकर्ण पावर लिमिटेड जो है वो है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये भी देखा कि लिथियम होता क्या है, लिथियम कैसे बनता है, रेयरेस्ट एलिमेंट है, कैसे मिरेकल एलिमेंट कहा जाता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या क्या है, तो और इसके जो ऊर्जा या जो इसके साथ समस्याएं हैं उन समस्याओं पे भी हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इसके यूजेस हैं उसके यूजेस में भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशंस के रूप में यूज होता है, एरोस्पेस के रूप में यूज होता है, औद्योगिक अनुप्रयोग के रूप में यूज होता है। तो ये सारी चीजें इसके उपयोग में भी हम लोगों ने बातें कर ली। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होता है। पहला नियम, यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होता है। दूसरा, इसका मुख्य कार्य उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार और चिटफंड से जुड़े कामों में निवेश करना है। इसका जो दूसरा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ए ऑप्शन को लेते हैं तो केवल एक है, बी ऑप्शन को लेते हैं तो केवल दो है, सी ऑप्शन को लेते हैं तो केवल एक और दो दोनों है, और डी ऑप्शन को लेते हैं न तो एक ना ही दो है। तो ये हो गया उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। तो ये हो गया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे। अब जरा आपको मैं ऑप्शन के लिए मैं 1 सेकंड का टाइम दे देता हूं कि आप देखिए कि कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि यहां पर मैं इसको काट देता हूं। यहां पर ऑप्शन अगर मैं आपको जो मैंने दिया है यहां पर, ये दोनों सही है, सी ऑप्शन है, यहां पर दोनों सही है। अब जरा मैं इसको काट के आपको सही से बता देता हूं। दोनों बैंकों में कंपेरिजन कर देता हूं। एक तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC लिख देता हूं, और ये जो बैंकिंग हैं जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स हैं उन पे दोनों पे कंपैरिजन कर देते हैं। अगर डेफिनेशन पे कंपैरिजन करें तो जो बैंक होते हैं वो सरकार द्वारा अधिकृत वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जो लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। जो लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होते हैं, ये सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन NBFC जो बैंक होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये बैंकिंग बैंक का लाइसेंस नहीं रखता है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा। इनके पास क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, कंपनी बैंकिंग अधिनियम 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, ये लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, पर करते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट पे अगर देखा जाए तो डिमांड डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करता है, बैंकिंग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन डिमांड डिपॉजिट जो है वो डज नॉट एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। NBFC जो है वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कर पाएगा।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पे देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं के लिए 74% तक की अनुमति है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए 100% तक की अनुमति है। मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात जो है जो बैंक को रखना होता है वो बैंकों के लिए क्या है, वो मैंडेटरी है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। क्रेडिट क्रिएशन, तो अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट निर्माण कर सकते हैं, जो बैंक हैं वो करते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनको क्रेडिट निर्माण की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम कहीं ना कहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें जरा आप समझने का प्रयास करिएगा कि होता क्या है। ये बैंकिंग के समान ये सेवाएं तो प्रदान करेंगे, पहली बात याद रखिए, ये याद रखिए कि ये बैंकिंग के समान सेवाएं तो प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पर लेकिन बैंक होने की जो कानूनी परिभाषा के अंतर्गत ये क्या है, नहीं आते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के रूप में जाना जाता है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं रहता है। इनके पास क्या रहता है, इनके पास इन सभी जो बैंक्स हैं या इनके पास जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी है, ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी अधिनियम के माध्यम से। ये मौद्रिक क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था को कुशलता से चलाने के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हैं, और इसको लेकर भारत सरकार ने देखा भी है कि ये अर्थव्यवस्था की कुशलता से चलाने में ये काम इनका है। वे बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। ये किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, तो हेज फंड कर सकते हैं, करेंसी का एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये इंश्योरेंस फॉर्म्स के रूप में भी कर सकते हैं, चेक कैशिंग सर्विसेज के रूप में भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को देखा जाए तो ये इनके पास ये ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जिनके पास कस्टमर की जो रेंज है जो अधिक व्यापक है, कस्टमर्स की रेंज बहुत अधिक व्यापक है। कभी कभी कुछ ग्राहक अपने मानकों के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए इन वित्तीय संस्थानों के पास ऐसे ग्राहकों के लिए समाधान प्रदान करने का एक बेहतर मौका होता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारत में इसलिए जरूरी थी क्योंकि भारत में देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण लोगों को ऋण आसानी से नहीं मिल पाता था। तो जब ऋण आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता था तो लोग साहूकारों के चक्कर में फंस जाते थे। ऐसे में उन साहूकारों से अपर ग्रेड की व्यवस्था, मतलब अच्छी व्यवस्था जो है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में की गई, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या बहुत ज़्यादा आईडीज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस तरह से होती हैं। जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये ग्राहक के पास न्यूनतम शेष राशि रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना ट्रेडिशनल बैंक में खाता नहीं खोल सकता है। अगर आप देखें कि जो ग्राहक होता है, ये जो ग्राहक है मैं आपको दिखा रहा हूं कि ग्राहक जो है, उस ग्राहक के पास न्यूनतम राशि रखने के लिए असल में क्यों लोग बैंक से बचते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, क्योंकि अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर्याप्त धन होना चाहिए। उस बैंक में एक मिनिमम बैलेंस होता है और उस मिनिमम बैलेंस को आपको मेंटेन करके रखना होगा, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। तो वहां इसीलिए लोग इसको चूज करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। यहां पर निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं जिन्हें लोन लेने में मुश्किल होती है, जो लोग लोन लेना चाहते हैं, वे आसानी से कहीं ना कहीं जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनसे लोन ले सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कम क्रेडिट, जब आप लेते हैं, लोन लेते हैं तो आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है, एक क्रेडिट स्कोर बनेगा। तो ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि जब भी कोई लोन देना होता है तो लोग इसी क्रेडिट स्कोर को देखते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या है। आपने एक आध बार लोन गलती से किन्हीं कारणों से नहीं पहुंचाने में देरी हुई तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। तो ऐसे में जो बैंकिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि वित्तीय मध्यस्थता कंपनी के रूप में, या बैंकिंग कंपनीज जो हैं, जो बैंक हैं भारत के, वो क्रेडिट स्कोर का अध्ययन करके ही आपको लोन देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपको कम क्रेडिट स्कोर होने पर भी जो है वो क्या है, गैर बैंकिंग जो संस्थान है वो आपको एक बढ़िया विकल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर लोन भी मिल सकता है। ऐसे हेज फंड्स का मतलब होता है जो निवेश हैं। तो अगर आप देखेंगे कि निवेश जो जोखिम भरे निवेश हैं, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग, यहां पर जो जोखिम भरे निवेश हैं उन जोखिम भरे निवेशों में जो है वो
कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं, मतलब जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो जोखिम भरे निवेशों में इन्वेस्ट करती हैं, वहीं पे वो जो परंपरागत जो बैंकिंग सिस्टम है वो बचना चाहता है, वो इसमें निवेश नहीं करता है, इसलिए जो जोखिम भरे निवेश अपनाता है, इसलिए इन बैंकों को उच्च भुगतान भी प्राप्त होता है। और कई मामलों में, हालांकि कई मामलों में वो चीज़ों को कैलकुलेटिव रूप से देखते हैं, तो ये एक अंतर होता है किसमें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में को लेके, बैंक में को लेके। जो गैर बैंकिंग संस्थान है वो कम या शून्य क्रेडिट वाले स्कोर को लोगों को भी उधार देते हैं, अगर वो लोन के कुछ प्रकारों के लिए उनको सुरक्षा की आवश्यकता बहुत नहीं होती है। ब्याज और जो किस्त है उसकी जो दरें हैं वो काफी लचीली हैं। प्रत्येक लोन के लिए पे बैक की समयावधि भी तय की जा सकती है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको जो है वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की तुलना में अधिक जोखिम उठाते हैं, तो मैंने ये आपको सॉल्व आउट कर दिया। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, एक शेंगेन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेंगेन का क्षेत्र है, शेंगेन नॉर्दर्न अमेरिका के पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं, पहली बात। बी, यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री ट्रेवल एरिया भी है। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। शेंगेन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेंगेन नॉर्दर्न अमेरिका के पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं। दूसरा, यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री ट्रेवल एरिया भी है। एक, दोनों कथन सही है। बी, दोनों कथन गलत है। सी, केवल एक सही है। डी, केवल दो सही है। ऑप्शन के लिए मैं एक सेकंड का आपको समय दे देता हूं। शेंगेन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्दर्न अमेरिका के पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री ट्रेवल एरिया भी है। ए ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। बी, दोनों कथन गलत हैं। सी, केवल एक सही है। डी, केवल दो सही हैं। यहां पर जो ऑप्शन है वो केवल डी, दो सही है। अब जरा शेंगेन को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। शेंगेन क्षेत्र का मतलब होता है कि शेंगेन जो एक तरह का, कहीं ना कहीं शेंगेन एक तरह का पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं, शेंगेन क्षेत्र में जो देश शामिल है, मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में इतने देश पड़ते हैं और इन देशों के बीच में शेंगेन एग्रीमेंट है, तो इन देशों के बीच में शेंगेन एग्रीमेंट के कारण यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो इस देश से इस देश, इस देश से इस देश, इस देश से इस देश, या इन देशों से किसी भी देश में जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उसमें क्या होगा, उनका फ्री मूवमेंट होगा, और ये जो फ्री मूवमेंट होगा विदाउट एनी पासपोर्ट होगा, उनको पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कहते हैं कि शेंगेन जो है वह शेंगेन यूरोप के पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं, वह अमेरिका का नहीं है। दैट इज, वही ऑप्शन क्या है वो गलत है। यूरोप के पासपोर्ट फ्री जोन को कहते हैं। इस जोन में यूरोप के ज्यादातर देश जो है वो हैं, क्या है वो शामिल हैं, और यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री ट्रैवल एरिया है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, वीजा फ्री ट्रैवल एरिया है, ठीक है। कहां पे है, यूरोप में है। यूरोपियन कंट्रीज के लोग शामिल हैं। अब इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि शेंगेन वीजा से मिलेगा क्या, क्या फायदा होता है लोगों को, क्या होता है, तो देखिएगा कहीं ना कहीं इससे ट्रैवल और टूरिज्म बड़ा बढ़ता है, क्योंकि अगर आपको नहीं लेना है तो ट्रैवल और टूरिज्म जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। उससे उस देश के जहां से लोग जाते हैं, जिस देश में, वहां की जीडीपी, इकोनॉमी जो है, उस इकोनॉमी में क्या होता है, उस इकोनॉमी में विस्तार होता है, वहां पर। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ बोलो, क्लास ले रहा हूं, जब फोन उठाएगा तो बताओ हुआ क्या। ये वीजा फ्री ट्रेवल है, यूरोप में है, ट्रेवल टूरिज्म
और जीडीपी को भी बढ़ाता है। यहां पर होता क्या है कि सेंगेन जो वीजा है ये शॉर्ट स्टे वीजा है, ये लॉन्ग टर्म में वीजा नहीं है कि पता चला आप गए और वहीं बस गए, नहीं, शॉर्ट स्टे वीजा है जिसके जरिए क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो किसी भी एरिया में, मान लीजिए इस देश से इस देश में गया, तो 90 डेज की उसमें परमिट होती है, 90 दिनों तक वो अपने या तो टूरिज्म को लेके जा सकता है, घूमने जा सकता है, या जो बिजनेस एक्टिविटी उसको करनी है उन दोनों के लिए 90 डेज तक वो वहां जा सकता है, वहां रह सकता है, अपने बिजनेस को या अपने टूरिज्म एक्टिविटीज को वहां पर परफॉर्म कर सकता है। यूरोप में ये शेंगेन वीजा जो है वो काफी अहम है, यह व्यक्ति को शेंगेन मेंबर कंट्रीज में, जो भी शेंगेन की मेंबर कंट्रीज है उनमें बिना रोक टोक के ट्रेवल करने की क्या करता है, आजादी दे देता है। शेंगेन जोन में कोई भी बॉर्डर कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन यहां पर जरा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा कि शेंगेन एरिया में शामिल अगर 26 देशों की सूची को देखा जाए तो कौन कौन से यहां पर देश हैं, तो थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इसमें जो 22 देश हैं, दो 22 देश हैं वो यूरोपियन यूनियन से शामिल होते हैं, 22 देश यूरोपियन यूनियन से शामिल होते हैं, और जो बाकी के 6 देश हैं, 4 देश हैं उसमें आइसलैंड है, लिचस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है, तो ये 4 देश हैं, ये 4 देश हैं, तो इन चारों का नाम आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना होगा, 22 यूरोपियन यूनियन के स्टेट के देश हैं, तो टोटल जो देशों की संख्या है वो यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 26 है, और ये जो 26 है यहाँ पर ये जो शेंगेन एरिया है, तो शेंगेन एरिया के कारण जो है ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए जैसे क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से अगर कोई अपराधी है और ये अपराध कर दूसरे क्षेत्र में भाग रहा है या दूसरे देश में भाग रहा है, चूंकि यूरोप के देशों को देखा जाए तो आपस में काफी जुड़े हुए हैं और उनकी सीमाएं बहुत छोटी छोटी हैं, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो ये इसी शेंगेन वीजा के तहत जा सकते हैं, तो एक दूसरे की पुलिस कनेक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन के 22 देशों को देखें कि यूरोपियन यूनियन के 22 प्लस 4 देश और हैं जिसमें आइसलैंड का नाम है, लिचस्टीन का है, नॉर्वे का है, स्विट्जरलैंड का है, अगर हम यहां पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करें एक सेकंड, तो शेंगेन में जो शामिल देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिचस्टीन, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का नाम है, तो जो वहां की महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, ब्रिटेन का नाम नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ब्रिटेन का नाम नहीं है, नॉर्वे का है, फिनलैंड का है, स्वीडन का है, ये सारे नाम हैं, यहां पर आपको आइसलैंड भी मिल जाएगा, लिचस्टीन, नॉर्वे, तो एक बड़ा एरिया है और इसीलिए इसको दुनिया का सर्वाधिक बड़ा फ्री जोन मूवमेंट कहा जाता है, जहां से आप आ जा सकते हैं, तो बड़ा एक क्षेत्र है। अब जरा यहां पे यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है बाहर हो गया है, ये 27 देश अब बचे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन को देख लेते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों की बातचीत की गई है, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, 27 देशों का जो एक समूह है, एक 27 देशों का एक समूह है जो अपने आप को क्या है, सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करते हैं, आर्थिक और इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में ये कार्य करते हैं। इसमें जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनमें 19 देश जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आधिकारिक मुद्रा यूरो का यूज करते हैं, जबकि जो 9 सदस्य देश हैं उनके बुल्गारिया है, क्रोशिया है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, ये यूरो का उपयोग नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा यूरोपीय देशों में अगर देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट या शेंगेन वीजा का शेंगेन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ये सब क्यों आया, क्यों, क्योंकि अगर हम इनके ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखने का प्रयास करते हैं, अगर हम इनको देखें इतिहास के पन्नों में, हम इन लोगों को देखें तो इतिहास के पन्नों में देखने को आपको ये मिलता है कि यूरोप जो के लोग थे वो आपस में इनकी कटुता बहुत थी, आपस में इनकी कटुता बहुत थी, ये आपस में ऐसा नहीं था कि बड़ा एक साथ रहते थे, तो कहीं ना कहीं सदियों से इनके बीच में लड़ाई होती थी और लड़ाई जो है वो बड़ी ही समाप्त न होने वाली लड़ाइयों में से था, तो कहीं ना कहीं इस कटुता को दूर करने के लिए, और सबका क्या था, सब चाहते थे कि हम यहाँ के राजा हैं और ये हमारा क्षेत्रफल बन जाए और हम यहाँ के भी राजा हो जाएं, यहाँ के हम राजा हैं, यहाँ का क्षेत्रफल भी हमारा हो जाए और हम यहाँ के भी राजा हो जाएं, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता था कि ये यही चाहते थे कि एकल साम्राज्य, एक भूखंड का एक मालिक हो, तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट आया कि हम सभी लोग एक हैं,
और हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है। राजनीतिक रूप से हर आदमी अपने अपने देश को संभाले, सामाजिक रूप से हमारी व्यवस्थाएं एक हैं, हमारे बाजार जो हैं वो एक हैं, हमारी मुद्रा का लगभग एक है, बिना रोक टोक फ्री मूवमेंट कहा गया। ये कहा गया कि जो वर्ल्ड का जो मानवाधिकार है, वर्ल्ड के मानवाधिकार या विश्व के मानवाधिकारों को देखें तो विश्व के मानवाधिकारों में सर्वाधिक बात होती है कि मानव को आप रोक नहीं सकते, जैसे हवा को नहीं रोका जा सकता है, पानी को नहीं रोका जा सकता है, बिजली को नहीं रोका जा सकता है, पक्षी को नहीं रोका जा सकता है, तो किसी भी जीवित जीव के फ्री मूवमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए वहां पर भी होना चाहिए। इसी को देखते हुए शेंगेन जो है एग्रीमेंट वहां पे 1985 में शेंगेन एग्रीमेंट जो है होता है, शेंगेन एग्रीमेंट या वीजा एग्रीमेंट होता है यहां पर। और भारत जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन क्या है, कहीं ना कहीं जो कटुता थी या जो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समाप्त हुआ, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया था, तो फिर से उसको डेवलप करने के प्रयास में यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या है, कहीं ना कहीं एक तरह का एक आंतरिक एकल बाजार विकसित करना चाहता है, इंटरनल सिंगल मार्केट जो है डेवलप करना काम किसका है, यूरोपियन यूनियन का काम है। यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं इंटरनल सिंगल मार्केट विकसित किया जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों को की इस पर एक राय होती है। तो ये हो गया यूरोपियन यूनियन का मामला। अब हम जरा देखते हैं लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो यूरोपियन यूनियन के जो सभी नागरिकों के लिए शांति एक लक्ष्य है, कि कहीं ना कहीं इसका यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य है शांति, मूल्यों का विकास करना और लोगों का कल्याण का रास्ता प्रशस्त करना, आंतरिक जो भी सीमाएं हैं उनको बिना स्वतंत्रता बिना सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, जो भी इंटरनल सीमाएं हैं, सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार का निराकरण करना उनको है, कहीं न कहीं एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित एक सतत विकास संतुलित आर्थिक वृद्धि पैदा करना, सभी लोगों को रोजगार देना, सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ाना, तो ये एक बड़ा काम है, वैज्ञानिक और तकनीकी जो है वो प्रगति को बढ़ावा देना, ये एक बड़ा काम है। यूरोपियन यूनियन का काम कहीं ना कहीं एक समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, ये भी है, एक आर्थिक और मौद्रिक एक यूनियन की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो हो, ये सब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का है। तो ये आप थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन, चूंकि आप शेंगेन इधर लगातार न्यूज में, शेंगेन एग्रीमेंट भी था, ब्रेक्सिट जो कि ब्रिटेन बाहर जा रहा है तो उसको लेके यूरोपियन यूनियन को लेके क्वेश्चन हो सकता है, कहीं कहीं यूरो के मुद्रा को लेके क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए ये संपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने यहां पर क्या किया, ये कवर कर लिया है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया, संपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया यहां पर। चलते हैं फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है कि अहमदाबाद दक्षिण एशिया में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर है। दूसरा कथन है ये एक प्रकार का ऋण उपकरण है जिसमें निवेशक स्थानीय निकायों के लिए निवेश करता है, जिसमें जो निवेशक वह स्थानीय निकायों के लिए निवेश करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, नीचे दिए गए जो भी कूट है उसे सही उत्तर को चुनिए। ए केवल एक, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना ही बी। यहां पर सोचने का समय मैं दे देता हूं आप सभी लोगों को। ऑप्शन जो है वो सी है, ए और बी दोनों यहां पर। अब जरा यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं क्या होता है म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड जो होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह होता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये जो है वो जो भी म्युनिसिपल एरियाज होंगी, जैसे अभी क्या है, अभी हाल में लखनऊ ने भी जारी किया, सूरत ने भी किया है, सबसे पहले इसको जारी करने वाला जो शहर है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद है।
तो इस तरह से लोग जारी करते हैं, जैसे ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, इसको जारी किया जाता है। और इस लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा लोगों को के पैसे को यहाँ पर कि आप इसमें निवेश करिए, और ये पैसा लेके जो म्युनिसिपल कम्युनिटीज हैं या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उस पैसा को लेके वहाँ पर सड़क का निर्माण करते हैं, ब्रिज का निर्माण करते हैं, स्कूल का निर्माण करते हैं, इस तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की कोशिश वो करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की कोशिश करता है, सड़क है, ब्रिज है, स्कूल है, तो ये सब चीजें की जाती हैं। इस तरह से ये होता क्या है, जरा समझिएगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, आम लोग या संस्थाओं से पैसा जुटाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा इसमें लिखा होगा कि कितनी तारीख तक के लिए ये पैसा चाहिए उसको, और यहां पर एक निश्चित रिटर्न के साथ ही वह पैसा वापस करने की गारंटी करता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, इस पे डेट मेंशन होगी कि कितने दिन के लिए ये किया जा रहा है, कितना परसेंट जो है हम आपको ब्याज देंगे, और ये सारी चीजें एकदम क्लियरली मेंशन होती हैं। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है जमा किया जाता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर जमा करने के बाद जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं वो इसको क्या करते हैं, वो इसको खरीदते हैं। और ये जो पैसा है वो कहाँ मिलता है, तो वो उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है जिसने इसको जारी किया गया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स इनकम का साधन है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आपको जोखिम बहुत नहीं उठाना है, आपको आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन में नहीं जाना है, तो आप इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड का मतलब ही होता है इस बात के तय किया गया है कि इतनी समयावधि में, इतने टाइम फ्रेम में, इतने टाइम फ्रेम में इतना इतना जो है हम देंगे ही देंगे। तो ये बातें तय कर ली गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं शहर में डेवलपमेंट जो है इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स इनकम का ये साधन है। म्यूनसिपल या नगर निगम बॉन्ड इसे जारी करता है। शहर में क्या करना है, शहर में डेवलपमेंट या वर्क को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर जो फंड की जरूरत होती है, सरकार से पैसा लेने की बजाय बॉन्ड से पैसा जुटाना एक अच्छा विकल्प साबित है। हो हुआ क्या, असल में कोविड-19 के बाद अगर देखा जाए, कोविड के बाद देखा जाए तो कोविड के बाद स्थितियां जो हैं वो बड़ी ठीक नहीं रही। सभी राज्यों के पास जो है धन और संसाधनों की कमी हो रही है। सभी जो राज्य हैं उनके पास धन और संसाधनों की क्या है, कमी है। उनपे उनके पास धन और संसाधनों की कमी है। तो ऐसे में धन और संसाधनों की कमी को देखते हुए भारत सरकार या जो भारत सरकार के जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या जो भी नेशनल स्टॉक हैं उनमें अपने को सूचीबद्ध करा के वहां से पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो विकास की गतिविधि है वो क्या हो सके, वो चालू हो सके। तो ये है कुल मिलाकर। यहां पर अगर आप देखें तो लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का 9वां शहर है, उत्तर भारत का यह पहला राज्य बन गया है। इसने आवास विकास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत मिशन के तहत इसको प्रोत्साहित भी किया गया इस काम को। ये मैंने कुल मिलाकर आपको बता दिया कि व्हाट आर म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। और ये जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद जो है यहां पर जो ऑप्शन है, अहमदाबाद दक्षिण एशिया में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर है। बॉन्ड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह होता है, जिसमें फिक्स इनकम आपको होती है कि कितना फिक्स इनकम होगी, कितने टाइम फ्रेम में होगी। और कहीं ना कहीं इसमें और भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, इसमें और भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं संघ राज्य या स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिसकी वजह से जो उच्च आय वाले लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित बहुत होते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कर जो है वो देना नहीं होता है, संघ राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर नगर निगम बॉन्ड का इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 74वां संवैधानिक संशोधन है उसमें कहा क्या गया कि जो शहरी स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत और स्वायत्ता देने के 5 साल बाद पहली बार 1997 में नगर निगम बॉन्ड जारी हुए थे। इसके बाद नागरिकों के प्रति निगमों की जवाबदेहिता के साथ साथ उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हुआ, और इसकी पहुंच पूंजी बाजार और वित्तीय संस्थानों तक जो है वो हुई है। तो ये मैंने कुल आपको, मैंने आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में मैंने आपको ये पूरी जानकारी जो है वह दे दी, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी कि कैसे ये जो है हुआ है, नगर निगम बॉन्ड का मामला है। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। डेजर्ट नाइट नामक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेजर्ट नाइट 21 नामक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय वायुसेना तथा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल द्वारा
जोधपुर हवाई अड्डे पर इसका आयोजन किया जा रहा है, पहला। दूसरा, यह जो युद्धाभ्यास है इसमें दोनों पक्षों के द्वारा राफेल विमानों को शामिल किया गया है, राफेल विमानों को शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। केवल ए, ए जो है वो केवल ए है, बी केवल बी है, सी ए और बी दोनों है, डी न तो ए और ना ही बी। डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21 नामक एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय वायुसेना तथा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बी, इस युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों को शामिल किया गया है। आंसर जो है इसका सी है, आंसर जो है वो सी है। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना को अगर देखें हम लोग, तो ये जो एक्स डेजर्ट नाइट 21 है इसका आयोजन जो है वो कहाँ हो रहा है, जोधपुर में हो रहा है। एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 इसका आयोजन किया जा रहा है। यह जो अभ्यास है वो किसके बीच में हो रहा है, तो दो सेनाओं के बीच में हो रहा है, वायुसेनाओं के बीच में हो रहा है। ये दो वायुसेनाएं हैं, इन दोनों के बीच में हो रहा है। और दोनों वायुसेना कौन सी हैं, तो एक तो इंडिया की है और एक जो है वो फ्रांस की वायुसेना है। तो इन दोनों वायुसेनाओं के बीच में हो रहा है और अपने आप में ये अद्वितीय है कि राफेल विमानों का, इस दोनों लोग जो है वो राफेल विमानों का ही प्रस्तुतिकरण करेंगे या प्रीमियर एयरफोर्स होगा, तो ये एक बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज़ है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ों को हम लोगों ने शामिल कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम भारत फ्रांस के संबंधों को लेकर देखें, तो भारत फ्रांस के संबंध ऐसा नहीं है, भारत फ्रांस के संबंधों को लेकर देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। भारत फ्रांस के संबंधों को लेकर देखें तो दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सख्ती जो सैनिक अभ्यास है वो भी किया जाता है। तो एक मगर हम लोग सूची बना लेते हैं, तो जो शक्ति अभ्यास है, शक्ति अभ्यास भी हम लोग करते हैं, शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज भी होता है, ये सैनिक है, आर्मी के द्वारा है, और किसके बीच में है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। अगर हम दूसरा देखते हैं तो वरुण है, वरुण एक्सरसाइज है, वरुण एक्सरसाइज है, ये किसके किसके बीच में है, तो ये नौसैनिक है, नेवल के बीच में है, नेवल के बीच में है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। वरुण के बाद अगर हम तीसरे को देखते हैं तो गरुण है, गरुण है, और गरुण भी जो है वो किसके बीच में है, तो आर्मी, यहाँ पर ये कहीं ना कहीं वायुसेना का ये जो एयर विंग का है, दो एयर विंग इसमें शामिल होती हैं, गरुण जो है इसमें भी इंडिया है और इसमें भी फ्रांस है। तो ये थोड़ा सा हम लोग बात को ध्यान में रखेंगे। और अब जो है एक नया जुड़ा हुआ है जिसको डेजर्ट में हम लोगों ने नाम दिया है, तो ये यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम लोग। एक्स डेजर्ट नाइट 21 है, एक्स डेजर्ट नाइट 21 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो ये है यहां पर, उसके बाद हमारे और भी डिफेंस में क्या क्या समझौते हुए हैं, तो जो अगर हम देखा जाए तो हमारे एक समझौते राफेल को लेके समझौता भी हमारा है, तो हम लोगों ने राफेल को भी ले लिया है। एक समझौता जो मिराज जो लड़ाकू जहाज हम लोगों ने, ये मिराज जहाज भी हम कहां से ले रहे हैं, तो मिराज भी हम जो है फ्रांस से ले रहे हैं, तो मिराज लड़ाकू जहाज को लेके भी है। कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी हम लोग यूज कर रहे हैं या जो लेने के प्रयास में हैं अभी हम, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, तो ये भी किससे है, ये भी हम लोगों को फ्रांस से ही मिलेगी। तो ये चीजें हैं। अगर हम देखा जाए तो दोनों देशों के मध्य में बहुत ज्यादा गंभीर सहयोग भी है, मतलब गंभीर सहयोग का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने का एलिमेंट भी है, जैसे आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो है ये प्रतिबद्ध है, नो मनी फॉर टेरर, इसमें ये दोनों देश आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हैं।
यह कहीं न कहीं सूचनाओं को एक दूसरे देशों को सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं कि एक देश की सूचना दूसरे देश तक पहुंचे, ताकि लोग एक दूसरे को ये समझें कि कैसे जो है कैसे इनको रोका जा सके, आतंकवादी घटनाओं को रोका कैसे जा सके। इसके लिए भी दोनों देशों जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो जैतपुर का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें भी फ्रांस जो है वो हमारा मदद कर रहा है। फ्रांस जो है जैतपुर के ऊर्जा जो सहयोग संयंत्र है उसमें भी हमारा सहयोग करता है, ये भी हमको याद रखना चाहिए, सहयोग करता है। जो 2022 में भारत की मानव मुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा होगा, वहां पर फ्रांस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चिकित्सा प्रशिक्षण सहायता हेतु सहमति व्यक्त की है, जो कि वर्ष 2022 में भारत की मानव युक्त जो अंतरिक्ष मिशन, जो भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने का कोशिश कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस हमारा सपोर्ट करेगा। और फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं भारत का महत्वपूर्ण यूरोप का सहयोगी है। जब भारत ने 370 लागू किया था, भारत ने 370 को हटाया था, तो फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज में जो फ्रांस है उसने खुलकर भारत का साथ दिया था, और उसने कहा था ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ऐसे में विश्व के लोगों को भारत पर भरोसा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि भारत अपनी चीजों को या अपने इंटरनल मैटर्स को कैसे जो है लागू करता है। तो ये चीजें हैं कुल मिलाकर, भारत फ्रांस संबंधों पर भी मैंने बात कर ली, यहाँ पर फ्रांस संबंधों में देखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं, जो भी नेवल एक्सरसाइजेस मैंने बताया या जो एयर एक्सरसाइजेस मैंने बताया, तो इनको थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन इंडिया फ्रांस को लेके हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्वेश्चन लेते हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व चर्चा में है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस कथन को लेते हैं जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व पे बातचीत की गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है उसको लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के त्रिजंक्शन के क्षेत्र पर स्थित है। तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में भी है, दूसरा इसका तमिलनाडु में भी है और तीसरा ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इन तीनों क्षेत्रों के ट्राई जंक्शन पे ये पहली बात कर रहा है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, बी ऑप्शन है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ए केवल ए है, बी केवल बी जो है, सी ए और बी दोनों हैं और डी ना तो ए ना ही बी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व चर्चा में है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, डी न तो ए ना ही बी। यहाँ अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शंस में यहाँ पर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अब जरा थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो कर्नाटक का बांदीपुर क्षेत्र है, यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन पे अवेलेबल है, न कि ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश नहीं है। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश का ऑप्शन गलत है, यहाँ पर केरल स्थित है। तो ये कर्नाटक तो सही है, तमिलनाडु भी सही है और केरल इनके इस पे स्थित है। यह विश्व में हाथियों की आबादी का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है और मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा यह बांदीपुर का क्षेत्र है।
अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर्नाटक का जो बांदीपुर का जो टाइगर रिजर्व के नजदीक जो है वो निर्गु जलाशय में, अभी ये क्यों मामला हाल में प्रकाश में आया था, क्योंकि यहाँ पर एक जंगली हाथी को बचाया गया है जो कि फंस गया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हाथियों का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों में से इसका नाम आता है, ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो यहाँ पर चलाया गया था बांदीपुर, चूंकि बांदीपुर का जो नाम है वो जुड़ा रहता है टाइगर रिजर्व के द्वारा, तो जो बांदीपुर का टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है वो 1973 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में यहाँ पे चलाया गया था। और 1985 में जो वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क से सटे जो क्षेत्र हैं उनको क्षेत्रफल में वृद्धि की गई और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। कर्नाटक के दो निकटतम जिले जिसमें मैसूर और चामराजनगर में फैला हुआ है, कर्नाटक तमिल और केरल राज्य के त्रिजंक्शन क्षेत्रों में स्थित है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा भी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दक्षिण में अगर देखा जाए तमिलनाडु में तो मुदुमुलई टाइगर रिजर्व है यहीं पे, अगर केरल में देखा जाए तो केरल में ये पश्चिम में वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है, और अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कर्नाटका में तो कामबिनी जलाशय उत्तर पश्चिम में बांदीपुर नागर होल टाइगर रिजर्व को अलग करता है, ये क्षेत्र यहाँ पर है। जैव विविधता से संपन्न यह क्षेत्र है, जैव विविधता से संपन्न यह क्षेत्र है जिसपे ये बातचीत हम लोगों ने की है। अगर देखा जाए बाघों की संख्या को लेकर देखा जाए तो जो बाघों की संख्या है वो सर्वाधिक बाघों की संख्या हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश में मिलती है। सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है, जो दो जो जनगणना हुई है 2018 में उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, 526 है ये। दूसरा हम लोग देखते हैं तो कर्नाटका है, कर्नाटका जो 524 का है, और थर्ड हम देखते हैं तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड है तो यहाँ पर हम लोग 442 की स्थिति देखते हैं। तो ये हमने आपको ये आपको यहाँ पर किया, ये न्यूज़ इसलिए हम इस न्यूज़ पे क्वेश्चन बनाया गया था क्योंकि अभी एक जंगली हाथी को यहाँ पर बचाया गया है, और ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व के हिस्से के रूप में जाना जाता है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र को जो है जाना जाता है इसी चीज के लिए। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, गुरु गोविंद सिंह जी के संदर्भ में क्या सही है और नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी के संदर्भ में क्या सही है। बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत की उन्होंने, खालसा या पांच काकर के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, पांच काकर या खालसा और द 5 KS के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने जफरनामा भी लिखा जो मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र है, उन्होंने एक जफरनामा भी लिखा जो मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र है, जो मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र है। कूट केवल ए, बी केवल बी, चूंकि यहां पे ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, क्या सही नहीं है, इन दोनों में से कौन सी बात सही नहीं है वो ये बात आपसे पूछ रहा है, वो आपसे यही बात पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत की उन्होंने, खालसा या पांच काकर के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन्होंने जाफरनामा भी लिखा जो मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र था, केवल ए केवल बी, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना ही बी। जो ऑप्शन है वो है डी, जो ऑप्शन है वो है डी। अब जरा देखते हैं क्यों क्यों ऑप्शन डी है, क्योंकि ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, तो दोनों कथन क्या है, दोनों कथन राइट है, और चूंकि दोनों कथन है क्या सही नहीं है तो ना तो ए ना तो, क्योंकि सही नहीं है यहां पर, सही दोनों है तो ए और बी दोनों, तो ए और दो ए और बी दोनों सही नहीं है, नहीं ये नहीं है ये होगा। थोड़ा सा यूपीएससी के जब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है, सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है, किन चीजों को उसने पूछ रखा है, फर्स्ट पूछ रखा है, सेकंड पूछ रखा है, थर्ड पूछ रखा है, किन चीजों को पूछ रखा है, इस बात पे जरूर से फोकस करिएगा। अब चलते हैं हम लोग,
सभी कथन सही है। अगर देखा जाए तो 10 गुरुओं की सिख गुरुओं की परंपरा में जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो 22 दिसंबर को 1666 में पटना बिहार में होता है। ये एक चीज याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती है वो नानक साहिब कैलेंडर पर आधारित है, जिसके अनुसार वर्ष 2021 में उनकी जयंती 20 जनवरी के दिन मनाई गई, जबकि पिछले वर्ष यह 2 जनवरी को मनाई गई थी। चूंकि यह तिथि के हिसाब से होती है इसीलिए तिथियां चेंज होती रहती हैं, और तिथि के हिसाब से यह जो है पड़ती है। तो यहां पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती 22 दिसंबर को 1666 को पटना बिहार में इनका जो जन्म हुआ था उसको लेके 2021 में जो इनकी जयंती थी वो 20 जनवरी को मनाई गई, और इसीलिए मैंने इस पे क्वेश्चन बना दिया। गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था गुरुदेग बहादुर सिंह, और ये सिखों के 9वें गुरु थे, और 9 वर्ष की आयु में ये 10वें सिख गुरु बने। मतलब अपने जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे जो जिनकी जिनका जन्म स्थान पटना था, ये 10वें जो है सिख गुरु अपनी 9 वर्ष की आयु में ही बन गए। अब इन्होंने कई क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो किया है, इन्होंने कई क्रांतिकारी परिवर्तन जो है सिख धर्म में किया। जैसे इन्होंने 5 खालसा की पद्धति 5K का दिया। इस 5K में अगर देखा जाए तो केश भी इन्होंने दिया, केश दिया, कंघा, कंघा भी इन्होंने लाया, कड़ा, कच्छा, कच्छा और कृपाण, कृपाण। निहंग जो है, अगर आप लोगों ने सुना होगा निहंगों का, तो निहंग इन चीजों को फॉलो करते हैं, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, और सिख भी फॉलो करते हैं इन चीजों को। तो उन्होंने कहा कि सिख जो धर्म है उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खालसा या 5 काकड़ का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो भी खालसा होगा, ये देखिएगा ये 5ों चीजें जो हैं, जो भी खालसा होगा, जो खालसा होगा वो इन 5ों चीजों को क्या है, ये 5ों वस्तुएं जिन्हें एक खालसा हमेशा धारण करेगा। और खालसा जो है योद्धाओं का पालन करने हेतु तो कई अन्य नियमों पर भी आधारित था। इन्होंने कहा कि ये चीजें धारण करनी है और किन चीजों से दूर रहना है। तो उन्होंने कहा कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, तंबाकू के सेवन को नहीं करना है, शराब, शराब नहीं करानी है, हलाला मांस से प्रवेश, हलाला जो हलाला मांस है, लाला मांस, हलाल मांस से परहेज है, हलाल हलाल मांस से भी प्रवेश ये है। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा कि दायित्व तो क्या है, खालसा का दायित्व तो क्या है, तो जो दायित्व तो है वो निर्दोष लोगों की रक्षा करना है। जो निर्दोष हैं, जो सीनी नहीं है, उन लोगों की रक्षा करना है, ये कर्तव्यनिष्ठा उन्होंने कही। उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह जब 10वें गुरु बने तो उन्होंने ही ये परंपरा शुरू की, उन्होंने ही इस बात की परंपरा शुरू की जो गुरु गोविंद सिंह साहब थे। हाँ गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने अपने बाद जो है, अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही, गुरु ग्रंथ साहिब या खालसा और सिख के धार्मिक पुस्तकों को, दोनों समुदायों को अगला गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना क्या किया कि आगे आने वाले कल में जो गुरु ग्रंथ साहिब होगा वही आपका जो है वो गुरु होगा। इसके बाद अब गुरु की जो परंपरा है वो नहीं रहेगी। तो इन्होंने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा और सिख धर्मों की धार्मिक पुस्तक दोनों समुदायों को अगला घोषित कर जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को और खालसा को ही गुरु घोषित कर दिया। ये इनके द्वारा किया गया। 1705 में अगर देखा जाए, 1705 में तो मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए, 1705 में अगर देखा जाए तो मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मुक्तसर की लड़ाई इन्होंने की थी। मुक्तसर की लड़ाई, जो मुक्तसर की लड़ाई है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग।
मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी 1705 में। 1704 में आनंदपुर की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह की माँ और उसके दो नाबालिग पुत्रों की हत्या कर दी गई। इस लड़ाई में उनके बड़े बेटे को भी मौत हो गई थी। 1704 में ये लड़ाई हुई थी, आनंदपुर की लड़ाई। तो मुक्तसर की लड़ाई और आनंदपुर की लड़ाई ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर की लड़ाई ये याद रखिएगा कि आनंदपुर की लड़ाई 1704 और मुक्तसर की लड़ाई 1705। तो 1704 की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की माँ और उनके दो नाबालिग पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में, मुक्तसर की जो लड़ाई है उसमें 1705 में ये हुआ था। अब अगर इनके साहित्यिक योगदानों को देखा जाए कि इनका साहित्यिक योगदान क्या है, तो साहित्यिक योगदानों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर इनके गुरु गोविंद साहिब के साहित्यिक योगदान को देखा जाए तो साहित्यिक योगदान भी इन्होंने दिया था। इन्होंने साहित्यिक योगदानों में अगर एक पहला जो योगदान है वो जाप साहिब, जाप साहिब ये याद रखिएगा थोड़ा, जाप साहिब का उन्होंने किया था। बेती चौपाई भी इन्होंने लिखी थी, बेती चौपाई, बेती चौपाई, बेती चौपाई, एक सेकंड होल्ड करिएगा मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, एक सेकंड होल्ड करिएगा थोड़ा सा मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, इनके साहित्यिक योगदानों को देखा जाए तो पहला जो साहित्यिक योगदान है वो जाप साहिब पे मैंने बात की कि इन्होंने जाप साहिब का लिखा, जाप साहिब लिखा। दूसरे साहित्यिक योगदान को अगर इनके देखने की कोशिश की जाए तो बेती चौपाई, बेती चौपाई पे इन्होंने बातचीत की। तीसरा अगर देखा जाए तो अमृत सवाई इन्होंने लिखा। चौथा देखा जाए तो जफरनामा, जफरनामा भी लिखा, जो मुगल बादशाह औरंगजेब को इन्होंने लिखा था। तो जो जफरनामा है ये मुगल बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया है, औरंगजेब को लिखा गया है, मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया है, को लिखा गया, औरंगजेब को लिखा गया, को लिखा गया पत्र है, को पत्र है। तो ये कुल मिलाकर जो सारे स्टेटमेंट हैं ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, खालसा को लेकर भी और औरंगजेब को लिखे गए पत्र के रूप में भी। तो ये हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कर लिया। एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड करेंगे तो मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड के लिए बस। Thank you.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लर पर विचार कीजिए। तमिल दार्शनिक कवि दार्शनिक तिरुवल्लर पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है। तमिल कवि हैं, दार्शनिक हैं, तिरुवल्लर साहब हैं। इनको समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया है और इनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल की रचना की गई है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। आपके सामने ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो यहाँ पर चूंकि आंसर स्क्रीन पे गलती से मिस्टेक से लिखा हुआ है तो आंसर है सी, ए और बी दोनों हैं। यहाँ पर तिरुवल्लर साहब को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 5 जनवरी 2021 को तिरुवल्लर दिवस मनाया गया था। यह तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल समारोह जो है वो मनाया जाता है। तो 5 जनवरी को 2021 को तिरुवल्लर दिवस जो है वहाँ पर मनाया जाता है। और ये तिरुवल्लर जो थे उस समय के तात्कालीन जो वहाँ का तमिलनाडु का जो एरिया था वहाँ के प्रसिद्ध जो है कवि थे और दार्शनिक भी थे। और यह अपनी जो कविता थी वो तमिल में लिखते थे। पोंगल समारोह के रूप में इनके ऊपर एक बड़ा आयोजन वहाँ पर किया जाता है। तिरुवल्लर साहब ने एक रचना की थी जिसका नाम था थिरुकुक्कु नामक एक रचना के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा बातें की जाती हैं वो नैतिकता पे की जाती हैं। पहला नैतिकता, दूसरा प्रेम, तीसरा जो है आर्थिकी, उस समय का जो तात्कालीन आर्थिक समाज था या जो आर्थिक व्यवस्था थी। राजनीतिक मामलों पर भी इन्होंने जो है वो टिप्पणियाँ की थी। मामलों पर इनका दोहों का संग्रहण मिलता है, नैतिकता पे, प्रेम पे, आर्थिक मामलों पे, राजनीति पे। तो कहीं ना कहीं मतलब तात्कालीन सामाजिक व्यवस्था पे अगर देखा जाए तो तात्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, तात्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था पर जो है वो तिरुवल्लर साहब ने उस पर काम किया था। तो नैतिकता पे है, प्रेम पे है, आर्थिक राजनीतिक मामलों पर, दोहों पर एक संग्रह है। पहला जो तिरुवल्लर दिवस है 1935 में 17 और 18 मई को मनाया गया था। जो पहला तिरुवल्लर दिवस था 1935 में मनाया गया था। और उसके बाद हालांकि कवि तिरुवल्लर के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये चौथे शताब्दी में थे। यहाँ पर ये किया गया कि इस मौके पर पीएम मोदी ने तिरुवल्लर को भी याद किया और युवाओं से उनकी जो रचना है वह कुराल पढ़ने का उन्होंने भी आग्रह किया। तो एक बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं थिरुकुक्कु है पहला, दूसरा कुराल। तो ये एक रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? तो तिरुकुक्कु या कुराल किसकी रचनाएं हैं? तो तिरुकुक्कु और जो कुराल हैं वो रचनाएं किसकी हैं? तो वह रचनाएं जो हैं वह जो है तिरुवल्लर साहब की। इन रचनाओं को पढ़ने का जो निवेदन है वो प्रधानमंत्री साहब ने किया और ये अभी हाल ही में मनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोगों का चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना जो अगला सवाल है उसको लेते हैं हम लोग, उसको लेते हैं। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड में जरा मैं चेक कर लूँ। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है नहीं? ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुबार्ड बस्टर्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। बड़ा फेमस है ये पक्षी और हाल के दिनों में इसका बड़ा नाम सुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पक्षी हुबार्ड बस्टर्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। ए, इनका वास स्थान उत्तर पूर्व एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व तथा अरब प्रायद्वीप से मिस्र के सिनाई मरुस्थल तक विस्तारित है। दूसरा जो बी ऑप्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? केवल ए, ए और बी दोनों, बी केवल बी और डी ना तो ए ना ही बी। आपके सामने यह सवाल है। हुबर्ट बस्टर्ड जो है वो बड़ा फेमस पक्षी है, बस्टर्ड की एक किस्म है और इस किस्म को लेकर बड़ा अभी
विवाद भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका अगर हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं तो आंसर ए है, आंसर ए है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसको जो है आईयूसीएन की लिस्ट में हुबार्ड जो बस्टर्ड पक्षी है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। पहले तो हुबार्ड जो पक्षी है इसका वास स्थान देखते हैं। तो इसका वो जो वास स्थान है जहाँ पे इसका हैबिटेट है, देखिए हैबिटेट का मतलब समझने का प्रयास करिएगा। हैबिटेट वह स्थल होता है, वह स्थल होता है किसी भी प्रजाति के लिए, वह स्थल होता है किसी भी स्पीसीज के लिए, समझने का प्रयास करिएगा। स्पीसीज के लिए वह स्थल होता है जहाँ पर वो अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटीज, जहाँ पर प्रजनन की जो कार्य है वो, और जहाँ पर वो भोजन फीडिंग एक्टिविटीज, ये जहाँ पर दोनों परफॉर्म करता है वो उस स्पीसीज का जो है हैबिटेट होता है। जहाँ पर ये एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजाति है उस प्रजाति का नाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है हुबारा बस्टर्ड कहा गया। और जो हुबारा बस्टर्ड है उसकी जो वास स्थान है वो उत्तर पूर्व एशिया है, पूरा नॉर्दर्न ईस्टर्न एशिया है। सेंट्रल एशिया को ले लेते हैं वो भी पूरा है। तो सेंट्रल एशिया का मतलब जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इलाके हैं। मध्य पूर्व का इलाका है, मध्य पूर्व का पूरा क्षेत्र है। अरब प्रायद्वीप क्षेत्र है, मिस्र के सिनाई भी जो मरुस्थल है यहाँ तक इसका विस्तारित स्थल है। बसंत में देखा जाए तो प्रजनन के बाद जो एशियाई हुबार्ड बस्टर्ड है ये दक्षिण में पाकिस्तान और अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सर्दियां बिताने के लिए पलायन करते हैं। ये जो पक्षी हैं ये पक्षी चूंकि इस क्षेत्रों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब सूर्य की स्थितियां धरती के सापेक्ष दक्षिणायन होती हैं, तो चूंकि उत्तर में नॉर्दर्न जो कॉन्टिनेंट है उस नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में ठंडियां बहुत पड़ने लगती हैं, शीत बहुत पड़ने लगता है। तो उस शीत के पड़ने के कारण ये पक्षी क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करती हैं, और प्रवास करने के कारण ये दक्षिणी पाकिस्तान में आती हैं, अरब प्रायद्वीप में आती हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया में सर्दियों बिताने के लिए आती हैं। अब इनके साथ समस्या क्या है, चूंकि ये वहां से माइग्रेट करके आती हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहां पर भी ये माइग्रेट करके जाती हैं वहां पर इनके साथ इनका शिकार कर किया जाता है, इनका शिकार कर लिया जाता है, जिससे इनकी संख्या जितनी ये आ रही हैं उतनी लौटती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं शिकार इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। आईसीएन ने इस बात को रजिस्टर्ड किया और आईसीएन ने देखा कि ये जो पक्षियों के शिकार होने के कारण इन प्रजातियों में कहीं ना कहीं इनकी संख्या में गिरावट हो रही है, तो इनको संकटग्रस्त प्रजातियों में न रखकर, यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया है संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं रखा गया है, जबकि इनको इसमें वल्नरेबल में रखा गया है। मैं अपने सभी हिंदी मीडियम के छात्रों से कहना चाहता हूँ कि देखिए संकटग्रस्त थ्रेटेंड होता है तो कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी के शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए। यहाँ पर वल्नरेबल की श्रेणी में इनको रखा गया है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, और जो पहला स्टेटमेंट है वह क्या है, वह सही है। यह जो है बस्टर्ड जो है वो स्थलीय पक्षी होता है, इसकी कई प्रजातियां हैं, इनमें कुछ इतने बड़े हैं तथा उड़ने वाले पक्षी भी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बड़ी प्रजातियों में जो है बस्टर्ड का नाम दिया जाता है, और इनकी दो प्रजातियां जो है विशिष्ट प्रजातियां हैं जिसको आईयूसीएन द्वारा दो विशिष्ट प्रजातियों की पहचान की गई है। एक जो है उत्तरी अफ्रीका में है जिसको क्लाइमेटिस उंडुलटा कहते हैं, और एशिया में जो है वो क्लाइमेटिस मैकेनी कहा जाता है। तो ये पहली प्रजाति है और ये दूसरी प्रजाति है, किसकी है, हुबार्ड बस्टर्ड की ही ये दो प्रजातियां हैं। इनके कहीं न कहीं इनके शिकार होने के कारण आईयूसीएन ने इनको जो है वल्नरेबल श्रेणी में रखा है। वहीं अगर देखा जाए तो एक जो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज करके एक संगठन है, उसने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो संरक्षण है, जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने सीएमएस को जो है इसमें इस पक्षी को जो है वो द्वितीय श्रेणी में रखा हुआ है। इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को द्वितीय श्रेणी में रख रखा है, द्वितीय श्रेणी में रख रखा है। यहाँ पर सीएमएस यहाँ पर जो है द्वितीय श्रेणी में रख रखा है, तो ये एक बड़ी चीज है। फिर अगर हम सीएमएस को देखने का प्रयास करते हैं, सीएमएस को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है ये सीएमएस, तो ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये एक इंटरनेशनल जो है कहीं ना कहीं ट्रिटी है, और इंटरनेशनल तो इसका अगर हम लोग देख लेते हैं कि सीएमएस है क्या, तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ट्रिटी है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा,
और इसी ट्रीटी को बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो कई बार सवाल ये होता है कि बॉन कन्वेंशन क्या है, तो बॉन कन्वेंशन जो है वो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को ही कहा जाता है। मतलब माइग्रेटरी मतलब उन प्रवासी पक्षियों या उन प्रवासी जो स्थलीय समुद्री तथा उड़ने वाले प्रवासी जो लोग हैं उनको जो है उनके संरक्षण का जो प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम CMS कहते हैं। तो यहाँ पर बॉन कन्वेंशन में अगर आपसे पूछे कि किसको किसको शामिल किया गया है, खाली उड़ने वालों को तो नहीं, उड़ने वालों को भी शामिल किया गया है, समुद्री को भी शामिल किया गया है, समुद्री को भी शामिल किया गया है जो समुद्र में तैरते हैं, जो स्थलीय हैं जो स्थल से भी होकर आए, तो स्थल वाले भी हैं, समुद्र भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, तो इन सभी और खाली पक्षी नहीं पूरे जीव जंतुओं को शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, जीव जंतुओं को यहाँ पर शामिल किया गया, संरक्षण करने का प्रयास है। यह कन्वेंशन जो है वह अप्रवासी जो वन्य जीव है उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह जो है जर्मनी, चूंकि ये जो संगठन बना हुआ था वह जर्मनी के बॉन में इस पे हस्ताक्षर किया गया था, तो यह संधि वर्ष 1983 से जो है वो लागू हुई है। और भारत इसमें कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल ट्रीटी में जो है वो भारत सरकार भी है। अगर हम IUCN को देखते हैं कि IUCN एक संस्थान, तो ये भी अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसकी क्या करता है, तो ये नेचर के देखिएगा, प्रकृति के, तो प्रकृति के क्या करता है, प्रकृति का कंजर्वेशन पे भी ध्यान देता है, प्रकृति के कंजर्वेशन भी ध्यान देता है, जो नेचर है उसके सस्टेनेबल यूज पे उसका सर्वाधिक बल है, सस्टेनेबल यूज कैसे किया जाए उस पे सर्वाधिक बल है। यह स्थापना जो है इसके 1948 में होती है, इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। ये जो IUCN है ये जारी करता है दुनिया में रेड, जो लाल सूची की बुक है, जो दुनिया में रेड डाटा बुक है उसको जारी करता है। और इस रेड डाटा बुक में अगर देखा जाए तो रेड डाटा बुक अपने आप में किसी भी पौधे, या तो आप प्लांट्स को भी ले सकते हैं या फिर आप जानवर किसी भी जीव जंतु को ले सकते हैं, एनिमल्स को ले सकते हैं, तो इनके विषय में वो बताता है कि कौन सी खतरे के निशान पर हैं, तो वैश्विक संरक्षण ताकि इसका बढ़ा सकें। तो रेड डाटा बुक में अगर कोई चीज मेंशन है तो इसका मतलब है कि ये खतरे के निशान पर है, और अगर इनको संरक्षण करने का प्रयास नहीं किया गया तो जल्दी ही ये किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, एक्सट्रीम की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से वो पौधों और जानवरों की प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया यहां पर जाता है, किसमें किसके अंतर्गत, तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ है उसके अंतर्गत यह काम किया जाता है। अगर यहां पर देखा जाए तो IUCN जो है प्रजातियों के विलुप्ति होने या जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए भी कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग किया जाता है। यह मापदंड दुनिया के अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं, उन जोखिमों का भी मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण संघ है उस पर भी मैंने बात कर दी। अगर आप सवाल को देखने की कोशिश करें तो जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जो हुबारा बस्टर्ड है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको हुबारा बस्टर्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीजें अपडेट कर देता हूं। असल में ये न्यूज में क्यों है, ये मामला इतना न्यूज में क्यों आया है, इस विषय पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये न्यूज में इतना ज्यादा क्यों है, ये न्यूज में इसके आने के पीछे क्या रीजन है, न्यूज में आने के पीछे इसका क्या रीजन है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं इसके न्यूज में आने के पीछे क्या रीजन है। अगर मैं देखता हूं कि नहीं पेज नहीं है तो यहां से थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। असल में बेसिकली ये क्यों न्यूज में हुआ क्योंकि अभी जो सऊदी अरब के प्रिंस साहब थे, सऊदी अरब से चूंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने फंडिंग ली है, पाकिस्तान ने खूब पैसा लिया है सऊदी अरब से, तो यहां पर पाकिस्तान में ये जो पक्षी हैं चूंकि माइग्रेट होकर आते हैं, CMS ये माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज होकर दक्षिणी पाकिस्तान खासकर बलूचिस्तान के एरिया में ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, उत्तरी कॉन्टिनेंट है या नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है वहां ठंडी बहुत पड़ती है, तो ठंडी होने के कारण ये जो पक्षी हैं यहाँ आते हैं। तो बलूचिस्तान के इलाके में या अगर देखा जाए तो इसके नॉर्दर्न वेस्टर्न जो प्रोविंस है, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस है किसका, पाकिस्तान का, तो इन प्रोविंसेस में आते हैं। अब जो सऊदी अरब के प्रिंस साहब हैं उनको ये शौक लगा कि हम क्या है, हम इस हुबारा, जो हुबारा बस्टर्ड है इसका हम क्या करें, इसका हम जो है शिकार करें। तो इन्होंने हुबारा पक्षियों के शिकार के लिए जो है वो पाकिस्तान सरकार को जो है वो पाकिस्तान सरकार को ये कहा कि हम आपके यहाँ आएंगे हुबारा पक्षी का करने के लिए। और पाकिस्तान ने जो है इस बात को लेकर क्या किया कि अपने यहाँ पर ये चीजें उसने अलाउ कर दी, और हुबारा पक्षियों का वहां पर ये आते हैं भाई, जो सऊदी अरब के जो प्रिंस साहब हैं, ये प्रिंस साहब आते हैं और कहीं ना कहीं जो है आकर यहाँ पर जो है
उस हुबारा पक्षी का करते हैं, और उसके लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी बनती है कि कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के अंतर्गत है, IUCN के अंतर्गत है। तो ये चीज़ें इसीलिए खबरों में आई हैं, और हो सकता है कि ये सवाल जो है देखने को आपको मिल जाए। तो सऊदी अरब के साथ साथ जो है अभी फिर से ये जो अभी रिसेंट में भी ये न्यूज़ में है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो दुबई को भी जो है दुबई के शासक को भी अपने यहाँ पर आने की अनुमति दे दी है हुबारा पक्षी के लिए। और इस तरह से अगर आप इमरान खान को साहब को देखें, तो जब इमरान खान साहब सरकार में नहीं थे, तो सरकार में न होने के कारण वह इस पक्षी का या इस तरह का पहले भी ये लोग पॉलिसी करते थे कि पहले भी वहां के शासक आते थे और इनके यहाँ हुबारा पक्षी का शिकार करते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब विपक्ष में थे, तो वह इसका शिकार को वर्जित करते थे, इसके शिकार पर जो है जब लोग शिकार करते थे तो वो इसका विरोध करते थे। लेकिन अब जब खुद सत्ता में आए हैं, तो फिर भी ये सॉफ्ट अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी जो डिप्लोमेसी इनको बढ़ानी है या जो अपने कूटनीतिक संबंधों को ये अच्छा करना चाहते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट की उन कंट्री, उसके कारण सऊदी अरब हैं, दुबई हैं, UAE हैं, कतर हैं, ओमान हैं, तो इनके साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाए रखने या बनाए रखने में ये कहीं ना कहीं जो है ये अवैध शिकार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी बड़ी किरकिरी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई है। इसीलिए ये सवाल जो है बनाया गया है, या न्यूज़ में इसीलिए सवाल था, इसीलिए मैंने इस पे सवाल बनाया। और अगर आप देखें तो आपको इस पे जो है पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि हुबारा बस्टर्ड क्या है। ये हुबारा बस्टर्ड के दो जो प्रजातियां हैं, चाहे उत्तरी अफ्रीका में हो चाहे ये हैं एशिया, हुबारा पक्षी का वास स्थान कहाँ है, ये क्यों आते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज, अगर सवाल UPSC में हो तो क्यों, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन होता है और उत्तरी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या होता है, फ्रीजिंग जोन में पहुंच जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो ये स्पीसीज अपने को बचाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं और इन एरियाज में आती हैं। और हाल के दिनों में इनकी आबादी में लगातार जो है गिरावट देखने को मिलती है, इनका अवैध शिकार, अनियंत्रित शिकार देखने को मिलता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई। और ऐसे में ये न्यूज आना कि पाकिस्तान की सरकार ने खुद जो है सऊदी अरब या दुबई के लोगों को इस बात के लिए, सऊदी अरब के प्रिंस को लेकर ये कहा कि आप आइए, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, इसलिए सवाल को बनाया गया है। चलते हैं थोड़ा सा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के ऊपर है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2030 से प्रतिवर्ष होता आ रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह, इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, आप उसको देखिए। और यहाँ पर केवल ए है, अगर आप एक सेकंड होल्ड करिएगा, यहाँ पर केवल ए है, केवल ए है, केवल बी है, सी में ए और बी दोनों हैं, डी में ना तो ए ना ही बी है। तो अब इसका सवाल का जवाब आप देखिए कि क्या हो सकता है, इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस को लेके तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग है। चलते हैं, कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस था, ये प्रवासी भारतीय दिवस जब शुरू किया गया, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो प्रवासी जो भारतीय दिवस है वो हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, पहले तो ये बात जानिएगा। विदेशी ये इसलिए मनाया जाता है कि जो पूरे इंडिया के बाद जो लोग बाहर हैं, जो लोग बाहर जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे हैं, मान लीजिए पूरे नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हैं, साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में हैं, यूरोप में अगर हैं आपके लोग, अफ्रीका में आपके लोग हैं, अगर आपके लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं, अगर मिड कॉन्टिनेंट में बसे हुए हैं या अरब प्रायद्वीप में बसे हुए, तो ऐसे लोगों से आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को जड़ों से क्या करें, जड़ों से जोड़ें, जो उनके रूट्स हैं, जो उन सभी लोगों के रूट्स हैं, उन रूट से उन लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि आदमी को उसके रूट से जरूर जुड़ा रहना चाहिए। तो ये एक प्रवासी भारतीय दिवस एक प्रयास है, क्या प्रयास है, कि लोगों को जो आपके लोग थे, जो आपके यहाँ के लोग थे, जो जाकर विदेशों में रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में,
या फिर अवसर की तलाश में, या फिर आप स्वास्थ्य की तलाश में जो लोग वहां पर जाकर बस गए हैं, वो अपने देश के बारे में या वो अपनी संस्कृति के बारे में या वो अपने समाज के बारे में या वो अपने भारत के बारे में वो अपनी जड़ों से जुड़े। तो ये अपने आप में इस तरह का एक कार्यक्रम है प्रवासी भारतीय दिवस। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो जो भारत के प्रधानमंत्री साहब थे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ जो है। और प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसमें जो 1915 में 9 जनवरी को इसलिए चुना गया, ये डेट इसलिए मनाई जाती है 9 जनवरी को, क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उनके आगमन के कारण महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को यहाँ पर स्वतंत्रता मिली। बता दें कि पहली बार जो भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन है वो 2003 में होता है और इस तरह से ये जो प्रवासी दिवस सम्मेलन है यह 16वां प्रवासी दिवस सम्मेलन है। 2015 के पहले जो है वो कहीं ना कहीं ये लगातार होता था, हर वर्ष होता था, लेकिन उसके बाद ये परंपरा में परिवर्तन किया गया और 2015 के बाद जो है इसको हर 2 वर्ष पर कर दिया गया है। तो 2015 में हुआ, फिर 2017 में, फिर 2019 में और अब 2021 में जो है वो 16वां जो है वो मनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। आखिर भारत को इस तरह के प्रवासी भारतीय दिवस से क्यों होगा? देखिए, असल में अपने हमारे यहाँ पे एक ड्रेन थ्योरी होती है, ड्रेन थ्योरी, मतलब जो हमारे यहाँ बेस्ट टैलेंट्स हैं, जो भी बेस्ट टैलेंट हैं, वो अवसर या अपॉर्चुनिटी की तलाश में कहाँ चले गए? विदेश चले गए। तो अब भारत सरकार ये चाहती है कि वो जो है जो लोग चले गए थे उनको क्या करें, उनके अनुभवों को ले, उनका जो एक्सपीरियंस है दुनिया के प्रति, उनके जो एक्सपीरियंस हैं साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, पॉलिटी के क्षेत्र में, तो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, अब इस ड्रेन को भारत सरकार क्या चाहती है? भारत सरकार गेन चाहती है। तो जो ड्रेन थ्योरी थी उसको भारत सरकार चाहती है गेन थ्योरी में बदलना। तो इसीलिए ड्रेन थ्योरी को गेन थ्योरी में बदलने के लिए जो है भारत सरकार इस तरह का बड़ा प्रयास कर रही है। और अगर भारत सरकार के फॉरेन जो रिजर्व को देखा जाए, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है भारत सरकार का, उसमें जो सबसे ज्यादा जो मद है, जहां से पैसा आता है, वो उसमें बहुत बड़ा मद आज भी रेमिटेंसेस का है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि जो पैसा वहां के लोग भेजते हैं तो उस पैसे का उपयोग जो है भारत सरकार अपनी करती है। तो इस तरह से रेमिटेंसेस का के लिए भी भारत सरकार इस तरह का प्रयोजन करती रहती है ताकि जो है वहां के लोगों से हमको जो है कहीं ना कहीं हमारे भारत में निवेश बढ़े और निवेश के साथ साथ वो एक सकारात्मक माहौल बने। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन डिप्लोमेसी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सत्य नडेला साहब हैं, जैसे आपके इंदिरा नुई साहब हैं। तो फॉरेन डिप्लोमेसी को भी स्मार्ट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भारत सरकार करती है। और भारत सरकार इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस है, ये जरूर है कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के क्रम में चुना गया था 9 जनवरी को, इसीलिए 2015 तक यह जो है सकुशल रूप से होती थी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको चलते हैं। यहां पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इस बार जो देखा जाए, तो इस बार की अगर स्थिति को देखा जाए तो इस बार यह जो प्रत्येक है 2 वर्ष में आयोजित होता है, ये तो ठीक है। 2021 में यह 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था, नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इसको कराया गया। इसका जो विषय है वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान है, क्योंकि भारत सरकार लगातार इंडिया के प्रति उसका है कि आत्मनिर्भर भारत बने, समग्र भारत बने, समृद्ध भारत बने। तो इस तरह से भारत सरकार वो भारत को आने वाले कल में देखना चाहती है। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी साहब थे, और चूंकि इनसे बात जो है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने की और इन्होंने भी बात जो है वो भोजपुरी में ही की है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी साहब थे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है वो भी देने की शुरुआत की गई, और यह जो पुरस्कार है ये गैर निवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाता है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे दिया जाता है या किन को दिया जाता है, तो ऐसे संगठन या संस्थानों को दिया जाता है। एकदम फार्मूला याद रखिएगा कि संगठन या संस्थानों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें जो विदेश में भारत के प्रति बेहतर समझ उन संगठनों या संस्थानों को दिया जाता है जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किस योगदान कैसा हो? सामुदायिक कार्य को लेकर हो, एक तो सामुदायिक कार्य को लेकर हो, स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हो, ये दूसरा पॉइंट है। परोपकारी को लेकर उन्होंने कोई परोपकार ऐसा किया हो, धर्मार्थ कार्य ऐसा किया हो,
या आधिकारिक आदि के कारणों को चिंताओं को मूर्त रूप देने के कारण यहाँ पर यह दिया जाता है, यह पुरस्कार उन विदेशी संस्थानों उन संगठनों को दिया जाता है जो भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति की उपस्थिति में चुनिंदा भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार विजेता जो हैं वो सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी साहब हैं, कराकाओ के प्रधानमंत्री यजुनाथ रघुनाथ साहब और न्यूजीलैंड की मंत्री जो हैं वो प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल हैं पुरस्कार विजेता के रूप में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जानते रहिएगा कि सुरीनाम को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सुरीनाम जो है वो कहाँ पर किस कॉन्टिनेंट में है, वहीं पर आप जो है कुराकाओ को भी देख लीजिएगा, न्यूजीलैंड की भी अवस्थिति आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि मैं इस पर सवाल फिर से बनाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें आपको सुरीनाम भी देखने को मिलेगा ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें कि जो ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, तो एक चीज और है कि भारत सरकार ने अपने प्रवासी मजदूर या जो पर्सन ऑफ जो लोग काम की तलाश में चले गए थे इंडिया से बाहर, या जो लोग काम की तलाश में, मान लीजिए मैं वो वर्क की तलाश में चले गए थे या एजुकेशन की तलाश में चले गए थे या फिर हेल्थ की तलाश में चले गए थे, तो उन सारे लोगों को भारत ने जब कोरोना काल आया था, जो COVID-19 की स्थिति जब भारत में या पूरे विश्व में देखने को मिल रही थी, तो ऐसे समय में जब लॉकडाउन स्थितियां थी पूरे विश्व में, तो भारत ने उस समय जो है स्वदेश करके जो है वो एक योजना चला रखी थी, स्वदेश योजना चला रखी थी ताकि जो है महामारी के कारण जो लोग वापस लौट रहे हैं, एक तो लोगों को लौटने के लिए उसने योजना चला रखी थी, और जो इन सभी लोगों को वापस लेके भारत सरकार आ रही थी अपने यहाँ, तो उस मिशन को जो है वो कहा गया स्वदेश, जो है वंदे भारत मिशन, उसको वंदे भारत मिशन कहा गया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है ये एग्जाम हॉल में देखने को मिले कि वंदे भारत मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो COVID-19 के दौरान जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, जो शिक्षक फंसे हुए थे, जो शिक्षार्थी फंसे हुए थे, जो हेल्थ के लिए गए थे, उन सभी लोगों को 35 लाख प्रवासी भारतीयों को भारत जो है भारत में वापस लाया गया था। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है, 35 लाख प्रवासी भारतीयों को भारत वापस लाया गया था वंदे भारत मिशन के तहत। और ये वंदे भारत मिशन जो है वो कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये चलाया गया था। तो आप थोड़ा सा इसको भी इसी के साथ याद रखने की कोशिश करिएगा। और जब महामारी के कारण लोग वापस लौटे, तो चूंकि वो वापस लौट रहे हैं, और अगर वह जो है कहीं ना कहीं लेबर क्लास के लोग थे, या जो लोग दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरब में कमाने खाने के लिए गए थे, तो ऐसे लोगों का भारत वापस लौटने पे भारत सरकार ने एक स्कीम और लॉन्च की थी, जिस स्कीम का नाम है स्वदेश। और ऐसे स्वदेश स्कीम का नाम मतलब होता है कि स्किल जो वर्कर्स हैं, जो अभी अराइवल हैं, जो आए हैं, उनका डाटाबेस तैयार करना, उनका मानचित्रण करना, उनके डाटाबेस को तैयार करना कि वो कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, किस राज्य में किस जिले के हैं, किस गाँव के हैं, इनकी स्किलफुल एक्टिविटीज क्या है, इनको आता क्या है, ताकि क्या हो कि आगे चलकर भारत सरकार इनके एम्प्लॉयमेंट में क्या कर सके, जो इनकी एम्प्लॉयमेंट है उनको, इनकी एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर सके, मतलब जो रोजगार है उनको रोजगार दे सके, ताकि जो है इनको सपोर्ट हो सके, ऐसा ना हो कि इनको सपोर्ट ना हो सके, इसलिए भारत सरकार ने चलाया। तो कुल मिलाकर स्वदेश अपने आप में COVID-19 के दौरान भारत वापस लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए सरकार की एक नई पहल है, ये भी याद रखिएगा। और विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में जो भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल भी शुरुआत की है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि देखिए जब भी कभी UPSC का ये कंफर्म नहीं होता कि किस बात से क्वेश्चन पूछ ले, वो क्यों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया, ये पूछा जा सकता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, NRI क्या है, इनमें अंतर क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंसेस को भी पूछा जा सकता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या NRI में अंतर क्या हो सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि जो गांधी जी आए तो ये किसकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये बनाया गया। तो इस तरह के सवालों का बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। और इसके बाद अगर सो क्वेश्चंस की एरियाज में जाएं तो हम वंदे भारत मिशन पे भी जा सकते हैं, स्वदेश पे भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं, लाभ, और उसमें 4 लाभ लिखा रहे, पूछे कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के सवालों का भी जवाब देने के लिए आप जो है मतलब आप कहीं ना कहीं तैयार रहें, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा आपके लिए कर दिया। अब जरा चलते हैं बेटा हम लोग जो है
नए क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी लोग। हाल में इंडोनेशिया का, एक सेकंड होल्ड करिएगा, हाल में इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप चर्चा में है। हाल में इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप चर्चा में है, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है, जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। ये एक एक है इंडोनेशिया का एक सुलावेसी द्वीप है जो चर्चा में है, और ये चर्चा में किस कारणों से है, ये कारण मैंने आपको बता दिया कि पुरातत्व जो विद थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है और जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। यह चित्रकारी कम से कम 4500 वर्ष पुरानी है। यह चित्रकारी लाल गेरुआ रंग से की गई है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल ए है, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों है, डी ना तो ए ना ही बी। सवाल का उत्तर देने के लिए आपके पास कुछ सेकंड में दे देता हूं। यहां पर अगर सवाल का उत्तर देखा जाए तो ए और बी दोनों हैं। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं। असल में जो सुलावेसी है वो इंडोनेशिया का, अपने आप में इंडोनेशिया का एक द्वीप है। पहले तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है सुंडा। इंडोनेशिया में कई हैं, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, सुंडा द्वीप समूह है, सुंडा है, ठीक है। एक उसका बोर्नियो है, बोर्नियो है, एक उसका बोर्नियो है, एक मालाकू द्वीप है, ठीक है। सुंडा द्वीप समूह के चारों द्वीपों में से एक है, और उसके बाद सुंडा, बोर्नियो, मालाकू, बोर्नियो और मालाकू के द्वीप के बीच में स्थित ये जो द्वीप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सुलावेसी कहते हैं, सुलावेसी कहते हैं। पुर्तगाली जो है इसको नाम सेलिबीस कहते थे, पुर्तगाली इसी को जो है पुर्तगाली जो है वो इसी को सेलाबीस आइसलैंड कहते थे, सेलाबीस आइसलैंड कहा जाता था पुर्तगालियों के द्वारा, इसको सेलाबीस नाम दिया गया था। इंडोनेशिया में ये जो सेलाबीस आइसलैंड है ये कई मामलों में चर्चा में है। एक चर्चा मैं आपको बता देता हूँ जो अभी कल की चर्चा है। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन जो है ये 4 दिन पुराना क्वेश्चन है, 4 दिन 5 दिन पहले की घटना है, लेकिन कल भी एक घटना घटी है कि जो इंडोनेशिया का सेलाबीस जो द्वीप है वहां पर शुक्रवार को अभी जो है वो भूकंप के जोरदार झटके जो है वो, ये तो आज ही की न्यूज है, जो फ्राइडे को ही किया गया कि भूकंप में वहां जोरदार झटके देखने को मिले हैं, और उस भूकंप के जोरदार झटके के बाद जब वहां पर राहत कार्य चल रहा था तो आफ्टर शॉक जो है, आफ्टर शॉक का ही आया है। आफ्टर शॉक क्या है, जब भी भूकंप आता है, जब भी एनर्जी क्या होती है, याद रखिएगा भूकंप कैसे आता है, तो पृथ्वी के नीचे एनर्जी होती है और जो ये एनर्जी है ये क्या करती है, मूव करती है, मूव करती है और अर्थ के क्रस्ट पे क्या करती है, अर्थ के क्रस्ट पे हिट करती है या टकराती है। टकराने के कारण ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जो सॉलिड क्षेत्र है अर्थ क्रस्ट का, इसमें एनर्जी जो है लड़ती है, तो ये क्या होता है, इसमें मूवमेंट पैदा होता है और इसी मूवमेंट को हम करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं सर ये तो अर्थक्वेक है। अब जो ये अर्थक्वेक है, ये जो अर्थक्वेक है, जो ये मूवमेंट है, इसको हमने अर्थक्वेक बोला। अब ये जो मूवमेंट जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, इस अर्थक्वेक को कहीं ना कहीं हम जो है जोरदार झटके, अब ये जब अर्थक्वेक आते हैं तो आने के क्रम में कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक आने के बाद भी जो वहां पर एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर रहती है और उसके कारण कई बार ये झटके देखने को मिलते हैं, मैग्नीट्यूड्स पे कई बार देखने को मिलते हैं, इसी को आफ्टर शॉक कहा जाता है। शनिवार को ये देखा गया कि इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आफ्टर शॉक से कई बार आफ्टर शॉक देखने को मिला, जिससे कहीं जो बचाव कर्मी थे वो रेस्क्यू करने में काफी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर हम लोग लेते हैं, तो दूसरी खबर जो है वो, दूसरी खबर पे हम लोग चलते हैं, तो जो दूसरी खबर है वो, दूसरी खबर यह चित्र जो है जिसपे ये खबर, ये क्वेश्चन बना हुआ है, यह चित्र इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि बोर्नियो और मालाकू के बीच में जो सुलावेसी द्वीप है इंडोनेशिया का, उस सुलावेसी द्वीप में एक चित्र की, एक गुफा में एक चित्र की पाया गया है, और ये जो चित्र है ये सुदूर घाटी एक लियोंग टेंडोंगा गुफा में पाया गया है। ये चित्र के विषय में जो वहां के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ये चित्र जो है वो काफी पुराना है
और इस चित्र को उन्होंने कहा कि कम से कम 4500 वर्ष पुराना है। यह चित्रकारी उन्होंने कहा देखा, इन्होंने कहा कि लाल गेरुए रंग से इसकी चित्रकारी की गई है और इसमें एक जंगली सुअर की जो है वो छोटी सी शिखा और आंख के समान सिंह सदृश आकृति को दर्शाया गया है। इसके अलावा ये कहा गया कि उस समय कहीं ना कहीं यह जो संभवतः यह किसी सामाजिक संघर्ष या अन्य सूरों के बीच संघर्ष की संभावनाओं को व्यक्त करता है, ये उनके द्वारा कहा गया। ये भी कहा गया कि उनके द्वारा कि उस समय हो सकता है तात्कालीन परिस्थितियों में वो लोग उसको खाते रहे हों, इसलिए उसका वहां पर चित्रण किया गया है। तो इस रचनात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति को केंद्र में रखकर ये जो खोज है वो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो सबसे जो पुरानी गुफा में चित्रकारी की खोज होगी उसमें इंडोनेशिया का नाम होगा और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप का नाम होगा और सुलावेसी द्वीप में लियोंग टेंडोगो का नाम गुफा में पाया गया। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझना होगा कि भारत में जो कुछ प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं, जो गुफा चित्रकलाएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपके बारे आपको एलिफेंटा के बारे में बता देता हूँ, इस विषय पे बता देता हूँ आपको। एलिफेंटा, ये एलिफेंटा अरब सागर में है, मुंबई के पास स्थित है। इसमें भी 7 गुफाएं हैं और इसमें भी 7 गुफाओं में आपको चित्रकारी के नमूने यहां पर भी देखने को आपको एलिफेंटा में भी मिल जाएंगे। एलिफेंटा के साथ साथ अगर आप भीमबेटका देखते हैं, भीमबेटका का नाम मैं लेता हूं, आप लोग चूंकि हिस्ट्री के मैं एक बार रिवीजन आपका करा देता हूं, भीमबेटका को देखते हैं तो होशंगाबाद और भोपाल के मध्य जो विंध्य पर्वत की तलहटी है यहां पर भी आपको होशंगाबाद से लेके भोपाल के मध्य में जो विंध्य पर्वत की है उस एरिया में भी भीमबेटका में भी आपको चित्रकला का नमूना देखने को मिल जाएगा। तो ये एक हो गया। अगर आप एलोरा को देखने की कोशिश करें, एलोरा को, तो एलोरा जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, महाराष्ट्र में है, सह्याद्री पर्वतमाला है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सह्याद्री पर्वतमाला है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो एलोरा की गुफाओं में देखें तो कहीं ना कहीं कैलासानाथ जो गुफा नंबर की संख्या 16 है जिसका नाम कैलासा पर्वत हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पर भी आपको चित्रकला का नमूना जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम अजंता को देखने का प्रयास करते हैं, जो अजंता है उस अजंता में भी देखें तो ये भी औरंगाबाद के उसमें है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और यहाँ पर भी सह्याद्री पर्वतमाला पर ही है, यहाँ पर रॉक कट गुफा है और इनमें भी आपको आकृतियों का वह स्वरूप देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी यूपीएससी को लेके, जो आने वाली क्लास है या जो आने वाला जो एग्जाम है उसमें अजंता, भीमबेटका, एलोरा, ये सब बाघ की गुफाएं जिसको मैं शामिल अभी नहीं किया हूं, इन सब गुफाओं को आप जरूर से जो है वो किए रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सवालों की जो फिरिस्त हो वो यहां से हो जाए। तो इन सवालों को भी थोड़ा सा आप देखने का प्रयास जरूर से अपने उसमें कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भविष्य में रोगों के प्रकोप से निकटने के लिए वैक्सीन का भंडारण तैयार करता है जिसके तहत अभी हालिया भंडारण निम्न है। इबोला का मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भविष्य में रोगों के जो रोग होते हैं उनसे निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम करता है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है। तो उस वैक्सीनेशन में अभी किन किन पे वैक्सीनेशन है उसके पास, इबोला पे है क्या, मेनिंजाइटिस पे है क्या, येलो फीवर पे है क्या, डेंगू पे है क्या, तो यहाँ ऑप्शन है अगर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ए में केवल ए और बी है, बी में केवल बी और सी है, सी में केवल ए बी और सी है, डी में ए बी सी और डी सभी है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि इसमें आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर आंसर को देखें तो यहाँ आंसर जो होगा वो सी होगा, सी आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्योंकि इबोला पे है उसके पास, मेनिंजाइटिस पे भी, येलो फीवर पे, डेंगू पे इसके पास कोई भी वैक्सीनेशन अभी प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है, तो ये देखते हैं हम थोड़ा सा, आंसर सी है, आंसर जो है वो सी है। अगर हम देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि हाल के दिनों में बड़ा चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं इस पे सवाल हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है इसके इसके संगठन को देखने का प्रयास करते हैं। अपने आप में क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, पहला फॉर्मूला याद रखिएगा। वो कहीं ना कहीं यूएनओ की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना क्या है, वर्ष क्या है, 1948 में है। मुख्यालय क्या है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश जो है, 194 देश WHO के सदस्य हैं। इसमें 150 देशों में इसके कार्यालय जो है होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यह अपने आप में एक अंतर सरकारी संगठन है, तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से यह कार्य करता है। अंतर सरकारी संगठन है और जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जैसे इंडिया इसका सदस्य राष्ट्र है, तो इंडिया के साथ वो मिलकर कोलेबरेशन करके, वो स्वास्थ्य जो इंडिया का स्वास्थ्य मंत्रालय उसके साथ सहयोग करके वो इंडिया में अपना काम करेगा। तो ये एक उसका काम है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वैश्विक स्वास्थ्य मामला है उसमें कहीं ना कहीं अनुसंधान संबंधी एजेंडे को आकार देता है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको हेल्प आउट करता है, और विभिन्न मानदंड और मानक भी निर्धारित करता है कि उनको कैसे होना चाहिए या कैसे नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे WHO को लेके, तो यह देश को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, यह विभिन्न जो देश हैं उनको टेक्नोलॉजिकल भी सहायता प्रदान करता है, उनको रुझान भी देता है। ये सारे काम जो है वो निगरानी और मूल्यांकन भी करता है कि मान लीजिए कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, पोलियो का प्रोग्राम है, तो वो कैसे वहां चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसके उसका वैल्यूज क्या है, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करता है। तो इन सारी चीजों का भी निगरानी मूल्यांकन, ये सारा काम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1948 से अपना कार्य स्टार्ट किया है, और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब जो है यहाँ पर उद्देश्य और कार्यों को देखें, अगर हम उद्देश्य और कार्यों की तरफ जाने तो उद्देश्य देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर जब हम उद्देश्य देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में ये कार्य करता है। ये उसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्य हैं उनके निर्देशक या समन्वय प्राधिकरण के रूप में एक कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये जितने भी विशेष एजेंसियां हैं या जो भी सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन है उनके साथ कोलेबरेट करता है, पेशेवर जितने समूह हैं उनके साथ करता है, और वह संगठन जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है उनके साथ भी सहयोग करके काम करता है। तो ये हो गया WHO का काम। ये कहीं ना कहीं सरकार के अनुरोधों पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग बढ़ाना और स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान भी करता है। तो ये जो है कुल मिलाकर मैंने आपको WHO पे बनाया, क्योंकि WHO हाल के दिनों में बहुत विवादित है, कहीं ना कहीं COVID-19 को लेके भी बहुत है, और चाइना को फेवर करने को लेके है, अमेरिका यहाँ पर फंड बजट अपना घटा रहा है उसको लेकर है। तो ऐसे में WHO को लेकर आप जरूर से, आप थोड़ा सा सवालों को जरूर से किए रहिएगा, और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड बस आप लोग होल्ड करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और भारत के अर्बनाइजेशन प्रणाली को लेकर भी बहुत ज्यादा यह सवाल बन सकता है आगे चल के, कि क्या भारत को भी इस तरह का काम करना चाहिए। द लाइन शहर जो चर्चा के संदर्भ में विचार कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने। यह सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। पहली बात, यह सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है, पहला सवाल। दूसरा, इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। आप जरा सोच के देखिए, नियोम परियोजना हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, नियोम परियोजना हाल के दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। बस एक सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए, मैं इसका उत्तर आपको बताता हूं। इनके उत्तर को मैं आपको बता देता हूं।
यहां पर ये दोनों ऑप्शन, यहां पर क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही है, यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, एक सेकंड, यहां पर दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। असल में जो सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब अपने यहाँ पे हो क्या रहा है, सऊदी अरब की जो अगर इकनॉमी को हम लोग देखने का प्रयास करें, सऊदी अरब की जो इकनॉमिक स्थिति है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, तो सऊदी अरब की जो इकनॉमी है वो किस पे निर्भर है, तो वो तेल पे निर्भर है, पूरी तरह से वो तेल की इकनॉमी पे है। मतलब सऊदी अरब की इकनॉमी को अगर हम देखें कि सऊदी अरब की इकनॉमी क्या है, तो इकनॉमी इज इक्वल टू ऑयल इकनॉमी है, ऑयल इकनॉमी है। तो यहाँ पर सऊदी अरब क्या चाहता है, सऊदी अरब चाहता है कि अपनी इस इकनॉमी को, क्योंकि ऑयल कैसा रिसोर्स है, ऑयल कैसा रिसोर्स है, तो ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, मतलब आने वाले कल में जितना रिसोर्स अभी है उतना नहीं होगा। तो ऐसे में इकनॉमी क्या हो सकती है, इकनॉमी जो है वह डाउनफॉल पे जा सकती है और इकनॉमी खत्म भी हो सकती है, जितनी तेजी से ये शुरू हुई है उतनी तेजी से खत्म भी हो सकती है इकनॉमी। तो ऐसे में सऊदी अरबिया जो है वो अपनी इकनॉमी में क्या चाहता है, वो डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, वो विविधता चाह रहा है, वो विविधता चाहता है, और इस इकोनॉमिक विविधता को लेने के लिए वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह की परियोजना शुरू कर रहा है। और इस परियोजना में वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है चूंकि हम ऐसा शहर बसाएंगे, एक ऐसे शहर की कल्पना है वहां पर, जो शहर जो है वो पृथ्वी के साथ सामंजस्य होगा, जैसे मतलब क्या है, ऐसा शहर जो कार्बन फ्री होगा, कार्बन फ्री होगा, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं होगी जिससे कार्बन का उत्पादन वहां पर हो सके। तो मतलब एक ऐसा मनुष्य अपनी पृथ्वी के साथ इस तरह का सामंजस्य बनाए जिस पर कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर वो तेल पर निर्भर ना हो, अर्थव्यवस्था में विविधता लाए, और कार्बन फ्री शहर की अवधारणा वहां पर है। तो ये नियम परियोजना यहाँ पर इन्होंने, इसकी शुरुआत ये कर रहे हैं। इसका और भी चीजें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सऊदी अरब ने $500 बिलियन की नियम परियोजना का एक वो किया, इसमें उसने जो जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। इस संबंध में घोषणा करते हुए जो प्रिंस, जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने कहा कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन जो है वो नहीं होगा, इसमें जो शहर होंगी या जो सड़कें हैं या कारें भी नहीं होंगी, साथ ही शहर में सड़क और कारें भी नहीं होंगी। ये शहर का जो निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे जो मनुष्य है अपने ग्रह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकता है। तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के कारण अकेले सऊदी अरब में वर्ष 2030 तक जो है वो तकरीबन जो है यूनिट 38 लाख नौकरियों का सृजन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था की देश पर, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने का उम्मीद है। यहां पर इस शहर का जो निर्माण है ये पहले तिमाही से शुरू हो जाएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका बुनियादा ढांचा लगने में या बनने में कुल कम से कम $100-200 बिलियन तक की लागत आएगी। इस शहर में जो आवाजाही के लिए कैसे आप जाएंगे, तो अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट प्रणाली होगी। ये एक ऐसी ट्रांजिट प्रणाली है कि किसी भी शहर में, मतलब आप कहीं से भी जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब जो है वहां से वो आप 20 मिनट के अधिक समय नहीं लगेगा। आखिर ये सारी जो परियोजनाएं हैं वो ये क्यों इतना बड़ा वहां पर किया जा रहा है सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब ये सब काम क्यों करना चाह रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, समझिएगा कि ऑयल रिसोर्स इकोनॉमी उसके पास पूरी तरह से है, और ऑयल रिसोर्स इकोनॉमी से वो निकलना चाह रहा है बाहर। ऑयल रिसोर्स इकोनॉमी से वो तभी अपने आप को निकाल पाएगा जब वो इस तरह की नई व्यवस्थाओं को देखेगा। यहां पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, एक सेकंड में आपको और भी बहुत सारी बातें बता देता हूं इसके बारे में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। असल में जो नियम परियोजना है, ये नियम परियोजना कुल मिलाकर मैंने देखिए मोटा मोटा तो आपको बना दिया कि असल में सऊदी अरब जो है वो अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है कि
उसका फ्यूचर क्या है। अगर वो अपने फ्यूचर को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी पे देखना चाहता है तो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बहुत दिन तक, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए सऊदी अरब अपने फ्यूचर को बहुत अंधकार में देखना अंधकारमय होगा। सऊदी अरब जो है वो कहीं ना कहीं, ये ग्रीक वर्ड है जो नियोम इकोनॉमी का मतलब है, ये जो नियोम शब्द है वो नियोस शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ये अपने आप में एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब, नियोस का मतलब जो होता है वो न्यू होता है। तो वो क्या चाह रहा है, एक न्यू तरह की व्यवस्था चाह रहा है, एक नई व्यवस्था चाह रहा है। न्यू का मतलब है यहाँ पर, उसका न्यू का मतलब है नया मुस्तकबिल होना चाहिए इनका, एक नया मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, मतलब आने वाला जो कल है वो जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, ये जो नया फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जो कैसा हो, सेफ हो, सेफ हो। यहाँ पर ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बहुत दिन तक सेफ नहीं है, तो वो सेफ मुस्तकबिल चाहते हैं। वो दूसरी चीज अपने साथ क्या चाहते हैं, तो वो अपने पूरे इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, इसलिए इस तरह का जो मेगा प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं, जो कि संभावना लोगों ने व्यक्त की, वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो नियोम परियोजना है, इस नियोम परियोजना में तकरीबन ये, अगर इसकी तुलना की जाए न्यूयॉर्क सिटी से, तो ये 33 टाइम बड़ा होगा, 33 टाइम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी से बड़ा होगा। और ये जो नियोम की परियोजना है ये कहाँ बिल्डअप की जा रही है, तो इस परियोजना को ये लोग बिल्डअप कर रहे हैं रेड सी के नॉर्थ वेस्ट में। रेड सी का इलाका अगर आपने देखा होगा तो उसके नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट में इसको डेवलप किया जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में किया जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में किया जा रहा है सऊदी अरब का। और ये जो परियोजना होगी या जो ये शहर होगा वो अपने आप में एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप होंगी, एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ाया दिया जाएगा, सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा दिया जाएगा, सब चीज़ों पे ये ध्यान दिया जाएगा कि सस्टेनेबल लिविंग हो। कुल मिलाकर यहाँ पर सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इस तरह से एक बिग इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब किया जा रहा है। हमेशा यहाँ पर जो एनर्जी का सिस्टम है वो लो कॉस्ट क्लीन एनर्जी पे ही होगा, मतलब एक तो क्लीन एनर्जी भी होगी लेकिन वो कैसी होगी, वो लो कॉस्ट होगी, मतलब उसका उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से लो कॉस्ट जो है, लो कॉस्ट क्लीन एनर्जी पे भी इन्होंने बात की, क्लीन एनर्जी पे बात की। कार्बन फ्री एनर्जी होगी पूरी तरह से, कोई भी कार्बन यहाँ पर निकलने की संभावना नहीं होगी, कार्बन फ्री होगी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये इस तरह का सिस्टम करेंगे कि यहाँ पर ये डिजिटल एयर जो है वो फ्री वाईफाई प्रोवाइड करे, यहाँ पे जो हवा होगी वही फ्री वाईफाई प्रोवाइड करे। इस तरह से ये एक नई व्यवस्था को उत्पन्न यहाँ पर करना चाहते हैं। ये जो सिटी होगी कंसिस्ट ऑफ बुलेट ट्रेन्स और हाइपर लूप, सब कुछ होगा, बुलेट ट्रेन्स भी होंगी यहाँ पर, हाइपर लूप व्यवस्थाएं भी होंगी, हाइपर लूप जो है ट्रैफिक का जो मॉडल है ये सारी यहाँ पर बुलेट ट्रेन होगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सब कुछ गाइडेड होगा, मतलब अगर आपको जाना आना है तो आपको ऐसी कारें भी मिल सकती हैं जो जिसमें आप बैठे और कोई ड्राइवर ना हो, वो आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग किया जाएगा और ये कुल मिलाकर जो है आल, ये कहा गया है कि इसको ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ये सभी जो है स्थानों से इसकी कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त रहे। तो इस तरह का ये अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है और भारत के लिए ये एक अवसर भी है, क्योंकि सऊदी अरब में भारत के लोग जो है जाकर काम करते हैं, तो ऐसे में 38 लाख नौकरियों का सृजन होने की संभावना है। तो भारत इसको एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, भारत इस काम को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है, क्योंकि भारत को ये लगता है कि ऐसे में भारत को रोजगार का बहुत क्षेत्र मिलेगा, रोजगार का बहुत क्षेत्र मिल जाएगा। और भारत को चूंकि ये परियोजना जो है वो लंबे समय तक चलेगी और लंबे समय में ये पूरा होगी, तो ऐसे में 5-6 साल 7 साल की परियोजना में भारत को जो है भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे भारत सरकार को रेमिटेंसेस की भी प्राप्ति होगी। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको इस परियोजना के बारे में बता दिया, इस परियोजना के बारे में मैंने आपको टोटल जानकारी जितनी थी वो मैंने दे दी। अब चलते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, एक नए सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहा जो गुच्छी मशरूम है उसके बारे में, बड़ा चर्चा में रहा है ये। और गुच्छी मशरूम हो सकता है कि आपको सवाल ये देखने को मिल जाए, एक सेकेंड होल्ड करिएगा जरा।
चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गुच्छी मशरूम के बारे में विचार कीजिए। गुच्छी मशरूम एक मानवीय उपज है जिसमें कश्मीर के डोडा जिले में विशेष रूप से उगाया जाता है। कश्मीर के डोडा जिले में इसे उगाया जाता है। बी, समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। आपके पास ऑप्शन में है। गुच्छी मशरूम के बारे में विचार कीजिए। गुच्छी मशरूम एक मानवीय उपज है जिसे कश्मीर के डोडा जिले में विशेष रूप से उगाया जाता है। समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहां पर अगर आप उत्तर देखने की कोशिश करेंगे तो उत्तर है ए। चलते हैं जरा यहां पर, सॉरी यहां पर उत्तर जो है वो बी है। आप, मैं गलती से ये बोल दिया, यहां पर बी है। चलते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक गैर सरकारी संगठन ने गुच्छी मशरूम के लिए, असल में ये क्यों न्यूज में आया है तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको देखते हैं, पूरी कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी को देखने के पहले हम लोग ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक गैर सरकारी संगठन है जिसने गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग जो है ये यहां पर ए ही होगा, ऑप्शन जो है यहां पर ऑप्शन जो है वो, एक सेकंड होल्ड करिएगा, ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। यहां ऑप्शन सी होगा क्योंकि गुच्छी मशरूम जो है ये कश्मीर और डोडा और ये पूरा हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, और समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधि गुण भी हैं इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। अब जरा यहां समझ लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन होंगे। यहां पर ऑप्शन में गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी ऑप्शन होगा। असल में समझने का प्रयास करिएगा, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, इन एरियाज में एक वहां पर होता क्या है कि वहां के जंगलों में एक अपने आप में एक वनी उत्पाद है। ये वनी उत्पाद है, वनी उत्पाद का मतलब होता है जो वन के द्वारा उत्पाद हो, वन अपने से क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या है, ये वन उत्पाद है। और ये जो वन उत्पाद है, चूंकि इस वन उत्पाद को हम क्या कहते हैं, ये मशरूम, गुच्छी मशरूम है, और ये मशरूम जो है इसमें इतने ज्यादा गुण पाए जाते हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडिया और वर्ल्ड में भी इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर इसमें देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा 32.7% के आसपास है, फैट 2% है, फाइबर 17.% है, 38% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्वास्थ्य के लिए काफी क्या है, स्वास्थ्य के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक है। और ये जो गुच्छी मशरूम है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं, ये इसको जंगल से क्या करते हैं, जंगल से एकत्र कर लेते हैं, और जंगल से एकत्र करने के बाद इसको जो है क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर मामला है। अब जरा हम लोग चलते हैं गुच्छी मशरूम के वन उपज के बारे में। तो यहाँ पर अगर इसका देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत में तकरीबन ये 20,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बिकता है। ये 20,000 प्रति किलो के हिसाब से ये बिकता है। समशीतोष्ण वनों में यहाँ पर पाया जाता है, ये समशीतोष्ण वनों में यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए कि ये समशीतोष्ण वन है, वहां पर उसमें पाया जाने वाला औषधीय गुण है। और इसका जो उत्पादन है, इसके उत्पादन को लेकर GI टैग की बात की गई कि GI टैग दिया जाए। क्यों GI टैग दिया जाता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। GI टैग का मतलब होता है कि जो कोई उत्पाद है वो उत्पाद कहाँ का है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर वो उत्पाद बना, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, ये इसको इसीलिए GI टैग दिया जाता है। GI टैग से फायदा क्या होता है, ताकि लोग उसकी नकल नहीं कर पाते हैं, उसकी जो विशिष्टता है, उसकी विशिष्टता क्या होती है, उसकी विशिष्टता बनी रहती है, उसकी विशिष्टता बनी रहती है, नकल नहीं हो पाता, उसकी विशिष्टता बनी रहती है। और इस विशिष्टता के कारण जो है उसका मूल्य में कमी कभी नहीं आती है, मूल्य में कमी नहीं आती है, लोगों को सही चीजें मिल जाती हैं। लोगों को अगर गुच्छी टैग पे GI टैग लगा हो, क्योंकि कई बार जो है वो गुच्छी मशरूम के नाम पे कोई और मशरूम बेचा जा सकता है, तो इस तरह से GI टैग की बातचीत कर रही है। और अगर इसको GI टैग मिला तो जो आदिवासी समूह है जो वहां पर इसको इकट्ठा करता है, आदिवासी समूह जो इकट्ठा कर रहा है, वो आदिवासी समूह जो है उसको क्या होगा, उसको लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं क्यों है आदिवासियों को, तो क्योंकि गुच्छी जब मशरूम को वो कलेक्ट करेंगे तो उस कलेक्शन से ये फायदा होगा कि उनको जो उपज का हिस्सा है, क्योंकि अभी क्या है 20,000 रुपये प्रति किलो है लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है, उनको हार्डली 1,500 रुपये मिल जाते हैं। यहाँ पर जब GI टैग हो जाएगा तो उनको वो लाभ जो है वह उनको लाभ जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसलिए ये कहा गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जैसे केसर को GI टैग मिला है, वैसे इसकी भी डिमांड की जा रही है कि गुच्छी मशरूम को भी GI टैग जो है वो मिले। और यह जो जंगली मशरूम है, यह डोडा जिले, कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपिया, किश्तवाड़, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कुल मिलाकर ये यहाँ पर हो गया मामला, ये हम लोगों ने ये यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माल ढुलाई व्यवसाय विकास पोर्टल, फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल नामक एक विशेष पोर्टल के बारे में विचार करें। जो ये पोर्टल है इसके बारे में सोचिए, फ्राइट डेवलपमेंट, फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल नामक एक विशेष पोर्टल के बारे में विचार करें। रेल मंत्रालय ने रेलवे के माल ढुलाई व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा इसका विकास के लिए इसको लॉन्च किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है रेल मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य मानवीय प्रक्रियाओं के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना है। इसका जो उद्देश्य है मानवीय प्रक्रियाओं के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिए, केवल ए, बी केवल बी, सी ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना ही बी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनिए, केवल ए, बी केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। आप सोच के देखिए। चलते हैं, यहां पर ऑप्शन जो है वो सी होगा, ऑप्शन है सी। अब जरा यहां पर समझते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मालगाड़ियों की विशेष आवाजाही के लिए ये 3,332 किलोमीटर का पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। असल में अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, माल या वस्तु के असल में जो भी गुड्स थे, तो होता क्या था कि पहले जो है भारत में एक ही रेल ट्रैक पे ये सारी चीजें मूव आउट करती थी, जिससे टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और कॉस्ट भी बढ़ जाता था। अब क्या हुआ, भारत सरकार ने एक नई तरह का पूरी की पूरी रेल लाइन बिछाने का प्रयास किया, जिसमें माल या वस्तु जो है, जो गुड्स हैं ये माल या वस्तु, उसके परिवहन के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए एक अलग से ही पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। एक अलग नया रेल मार्ग बनाने की बातचीत शुरू की गई कि एक नया रेल मार्ग बनाया जाए। और ये जो रेल मार्ग है ये दो भागों में बटा है, एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, और दूसरा हम लोग देखते हैं तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। अब जरा पे यहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये लुधियाना पंजाब में, आप देखने का कोशिश करिएगा यहाँ पर ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो लुधियाना, लुधियाना का जो हिस्सा है वहां पंजाब से शुरू हो रहा है और दनकुनी पश्चिमी बंगाल तक है, दनकुनी वेस्टर्न बंगाल का इलाका है, वेस्टर्न बंगाल, ये पंजाब, यहां से ये है तकरीबन, ये देखा जाए हिस्सा जो है तो ये लुधियाना से सोनगर की लंबाई और सोनगर से दनकुनी तक की, तो ये एक बड़ा क्षेत्र है। वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर को देखा जाए तो ये जो वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है ये जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट टर्मिनल जो महाराष्ट्र में है वहां से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र लिख देता हूं मैं आपके सामने ताकि आपको ये लोकेशन क्लियर रहे, महाराष्ट्र का जो जवाहरलाल नेहरू टनल है, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू लिख देता हूं मैं इसको, पोर्ट जो टर्मिनल है वहां से शुरू हो रहा है, टर्मिनल वहां से शुरू हो रहा है। और कहाँ तक है ये, तो ये दादरी तक है, ये दादरी तक है, ठीक है, यहां तक है। अब ये अपने आप में ये एक बड़ा काम किया जा रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर
यहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पेस का एक सेकंड हम लोग यूज कर लेते हैं। हाँ, अगर हम देखें कि डाइट फ्राइड जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ क्या होंगे, क्योंकि लाभ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो लाभ देखा जाए तो एक तो जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको क्या होगा, उनको आसानी से माल मिल जाएगा, आसानी से उनको क्या होगा, माल मिल जाएगा। तो माल मिलना, क्योंकि ये एक बड़ा मतलब दिक्कत है कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पता चला कोयला ले जाना है, लेकिन उसी पे रेल, उसी पे जो है आदमी भी जा रहे हैं, उसी पे ये भी जा रहा है, तो उससे सही समय से कोयला वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का लाभ होगा, औद्योगिक क्षेत्रों को होगा, जो भी निवेश क्षेत्र हैं, जो भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है या लॉजिस्टिक जो पार्क हैं, उनको बहुत फायदा होगा इससे। जो है रोजगार, जब हम फ्राइट कॉरिडोर बना रहे होंगे तो उससे भी रोजगार बनेगा, उससे भी रोजगार के अवसर बनेंगे, और जब ये बन जाएगा तो नए रोजगार के अवसर यहां पर बनेंगे। तो रोजगार का सृजन यहां पर बहुत होगा, रोजगार का बेहतर अवसर होगा, और कहीं ना कहीं इससे जो जब ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स निकलेंगे तो वहां पर रियल एस्टेट का जो धंधा है या जो रियल एस्टेट की व्यवस्था है या जो जमीन के दाम हैं, वो जमीन के दाम बहुत महंगे होंगे, जमीन का दाम बढ़ेगा, और वहां पर लोगों को जो है फायदा होगा। क्योंकि जब भी बुनियादी संरचनाएं होती हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो किसको होता है, तो रियल एस्टेट के बिजनेस को होता है, तो रियल एस्टेट को होगा। इसके बाद इससे उद्योग और संबंधी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, जो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज को ले, तो इस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो यहाँ पर होने वाला है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और अन्य इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ये हमने कुल मिलाकर आपको ये बता दिया। तो ये कहीं ना कहीं प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योगों के लिए भी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। अभी कोविड में जो है, COVID-19 में हुआ क्या कि चूंकि लोगों की आवाजाही बंद थी, जो लोग थे उनकी आवाजाही क्या थी, पूरी तरह से बाधित थी, आवाजाही बाधित थी। तो जो रेल मंत्रालय था उसको जो राजस्व का हिस्सा मिल रहा था, वो राजस्व की जो प्राप्ति हो रही थी वो किससे हो रही थी, तो खाली माल ढुलाई से हो रही थी। तो ऐसे में रेलवे अपनी आय को, रेलवे अपनी आय का जो अधिकांश भाग था वो माल ढुलाई से ही कर रहा था। ऐसे में अगर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो जाएगा तो उसकी माल ढुलाई का जो उसको अलग से फायदा होगा। और इसी संदर्भ में जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देखा गया है। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये रेल मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी उद्यम है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि ये लिखे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन है या गृह मंत्रालय के अधीन है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी उद्यम है। पोर्टल के विषय में अगर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, जिस पोर्टल पे यह सवाल है, तो इस पोर्टल से क्या होगा, इस पोर्टल से कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसको, ये पोर्टल पूरी तरह से उपभोक्ता केंद्रित होगा। जो लोग भी अपना माल भेज रहे हैं उनको इस पोर्टल से जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या स्थिति है, क्या। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, इससे आपको माल की सही जानकारी आपको मिल जाएगी। आपूर्तिकर्ता को, जिसको पाना है, जिसको भेजना है, उस सभी लोगों को होगा। लागत में कमी आएगी, कॉस्ट जो है, रेवेन्यू जो उसका था, पहले क्या था, 10 दिन में पहुंचता था, अब क्या है, 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो एक तो जो टाइम और स्पीड बढ़ेगी, हमेशा याद रखिएगा टाइम और स्पीड जो है वहां पर कहीं ना कहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिविटी होगा। जैसे टमाटर पहले भेजते थे, टमाटर भेजने में 10 दिन लगता था, अब टमाटर में ये मान के चला जाता था कि अगर 1 कुंतल टमाटर हम भेज रहे हैं तो उसमें से 10-15 किलो 20 किलो टमाटर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन का टाइम लगना है, तो 10 दिन में टमाटर कैसा है, तो पेरिशेबल आइटम है, कहीं ना कहीं खराब होने वाली वस्तु है। आम भेज रहे हैं, अनानास भेज रहे हैं, फल भेज रहे हैं, तो 10-15 दिन लगेगा, तो उसमें सुक्रोज के कंटेंट कम हो जाएंगे। तो नो डाउटली ये कहीं ना कहीं उसका ये मान लिया जाता था। तो जो गड़बड़ी होती थी, जैसे मान लीजिए 1 कुंतल में, तो वो दाम हमेशा बढ़ा के बेचते थे कि 20 किलो तो हमारा नुकसान होना ही है, तो उस 20 किलो के नुकसान का भी यहां जुड़ा होता था। अब क्या है, जो आप जो मंगा रहा है वो मंगाएगा, तो अब उसको 20 किलो का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा,
तो वो उसके दाम को कहीं ना कहीं कम में करके बेचेगा, तो लागत में भी कमी आएगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीजें हैं, मानवीय प्रक्रियाओं के स्थान पर ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो इससे जो कहीं ना कहीं एक मानवीय प्रक्रिया होने के कारण देरी होती थी वो भी कम होगा, मानवीय आवश्यकताएं कम होगी। ये जो पोर्टल है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा, पेशेवर समर्थन को बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से ये माल ढुलाई का एक अपने आप में नई व्यवस्था है, गोदाम मालिकों से लेके संप्रदाताओं से लेके एक नई तरह की व्यवस्था, और यह एक नए भारत का निर्माण की व्यवस्था है, नए भारत के निर्माण की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको समझा दिया कि नए भारत का निर्माण में ये व्यवस्था कैसे काम देगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। बस एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन है कि हाल ही में साधु कोठारी नामक यक्षगान कलाकार का मंच पर प्रदर्शन करने के दौरान निधन हो गया, यक्षगान के संबंध में विचार करें। यक्षगान केरल के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें संगीत की अपनी यक्षगान के विषय में, केरल के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें संगीत की अपनी एक अलग जीवन शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत तथा हिंदुस्तानी संगीत से अलग होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिए। केवल ए, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, डी ना तो ए ना ही बी। अब आपको यहां पर सवाल का जवाब देना है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। अब जरा आप सोच के बताइए कि क्या होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो ए नहीं है, बी सही है, बी सही है। अब जरा आप समझिएगा, यक्षगान जो है वो कहाँ का विषय वस्तु है? कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य एवं नाट्य रूप है। यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ट्रेडिशनल है पहली बात। तो एक सेकंड होल्ड करिएगा आप सभी लोग। एक सेकंड होल्ड करिएगा। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है। इसकी विषय वस्तु जो है मिथकीय कथाओं तथा पुराणों, विशेष पर रामायण एवं महाभारत पर आधारित होती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य का है पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है। यहाँ पर दो चीजों को कॉन्सेप्ट में आप एकदम याद रखिएगा, नाट्य है और इसी नाट्य में कहीं ना कहीं लोक नृत्य भी रहता है, लोक नृत्य भी रहता है। यह नाट्य और लोक नृत्य की अपनी एक अलग धारणा है, न इसकी कंपैरिजन हम भारतीय शैली से कर सकते हैं, न इसकी कंपैरिजन जो है हम दक्षिणी शैली से कर सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत से भी नहीं है, कर्नाटक संगीत से भी इसका नहीं है, हिंदुस्तानी संगीत से भी नहीं है।
यह कहीं ना कहीं क्लासिकल कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत से अपने आप में एक अलग फीचर देखने को मिलता है। यक्षगान जो कलाकार होते हैं उनका एक अलग फीचर देखने को मिलता है। ये रामायण या महाभारत या जो पुराण हैं उनकी जो कथाएं हैं उन कथाओं की विषय वस्तु पर यह आधारित होता है और उस पर यह मंचन किया जाता है। मंच पर कलाकार होते हैं जो लोक नृत्य के माध्यम से इसका नाट्य रूप प्रस्तुत करते हैं। खासकर रामायण के किसी इवेंट को ले लेंगे, महाभारत के किसी इवेंट को ले लेंगे, पुराणों के किसी इवेंट को ले लेंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एक विशाल मुकुट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भाव भंगिमा होती है उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बड़े चटकीले रंग होते हैं, रंग बिरंगे परिधन का यूज किया जाता है। समृद्ध डिजाइनों का कलाकारों के द्वारा किया जाता है। कलाकारों के द्वारा जो पहने जाने वाले जो आभूषण हैं वो नर्म लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो जिसे सीसा के टुकड़ों और सुनहरे रंग के कागज पर टुकड़ों से सजाया जाता है। इसमें एक जो ड्रम है जिसको बजाया जाता है जब ये नाट्य चलता है या लोक नृत्य होता है, तो इस जिस ड्रम को बजाया जाता है उसे चेंड नामक ड्रम कहते हैं, चेंड नामक ड्रम। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, यक्षगान जब शुरू होता है तो उसमें पहले भगवान गणेश की वंदना होती है और इसके बाद एक हास्य अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद ये शुरू होता है। पृष्ठभूमि में चेंड बजाया जाता है और मेडल के साथ तीन व्यक्तियों के द्वारा ताल बजाई जाती है। बड़े बड़े ताल होते हैं जिनको आपस में जो है वो लड़ाया जाता है। और कथावाचक इस पूरे प्रदर्शन का निर्माता भी होता है, जो कथावाचक जो गाता रहता है, निर्देशक और कार्यक्रम का प्रमुख होता है। ये यक्षगान के बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर अगर यक्षगान को थोड़ा सा देखा जाए तो अभी हाल ही में ये चूंकि ये जो साधु कोठारी साहब थे, ये साधु कोठारी साहब अपने मंचन को करने के क्रम में ही इनका देहांत हो गया, इनको हृदय हार्ट अटैक हो गया। जब ये कर रहे थे तभी इनको हार्ट अटैक हो गया, तो हो सकता है न्यूज़ में बना रहा मामला, तो हो सकता है यक्षगान को लेकर कहीं ना कहीं कोई सवाल जो है यक्षगान को लेकर देखने को मिल जाए, यक्षगान की चीज़ों को लेकर मिल जाए, यक्षगान की और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यक्षगान को लेकर सवालों की जो फहरिस्त है उसको लेकर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यक्षगान क्या क्या मामला है, यक्षगान की क्या क्या स्थितियां हैं। अब चलते हैं हम लोग यक्षगान से पेंगोलिन की तरफ। हाल ही में उड़ीसा का जो वन विभाग है उसने पेंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार की जांच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। अब जरा समझिएगा, उड़ीसा का जो वन विभाग है वो पेंगोलिन को के अवैध शिकार और व्यापार को जांच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर उसने बल दिया है। पेंगोलिन के संदर्भ में विचार करिए, पेंगोलिन जो है उसके संदर्भ में आप विचार करिए। ए, पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से सभी प्रजाति भारत में पाए जाते हैं। सारे की सारी जो पेंगोलिन की जितनी प्रजातियां हैं वो सभी भारत में पाई जाती हैं। दूसरा, इंडियन पेंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय और पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में नहीं पाया जाता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करें। आपको कि पेंगोलिन की जो 8 प्रजातियां हैं वो सभी भारत में पाई जाती हैं। इंडियन जो पेंगोलिन है वो व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई जो स्टेट हैं, अगर या तो ड्राई में या तो उच्च हिमालय में या तो पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में नहीं पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करें। अब जरा आपको उत्तर चुनना है। उत्तर जो है वो कहीं ना कहीं न तो ए है ना ही बी है, ये बात गलत है। पहले तो गलत ये है कि भारत में 8 प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। जो 8 स्पीसीज हैं वो 8 स्पीसीज भारत में नहीं पाई जाती हैं, ये पहला है स्टेटमेंट सही मतलब गलत है। दूसरा, जो इंडियन पेंगोलिन का व्यापक रूप से देखा जाए, इंडियन पेंगोलिन को व्यापक रूप से देखा जाए तो शुष्क क्षेत्रों में जो भी ड्राई एरियाज हैं ड्राई एरियाज देख लें, या हिमालय के एरियाज को देख लें हम लोग, उच्च हिमालय को देख लें या पूर्वोत्तर छोड़कर, तो शेष भारत में नहीं, ऐसा नहीं है, शेष भारत में ये पाया जाता है। थोड़ा सा हम लोग पेंगोलिन को देखने का प्रयास करते हैं, बेसिकली पेंगोलिन को देखने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। आंसर है डी, पेंगोलिन की टोटल 8 प्रजातियां हैं। अगर पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से देखा जाए तो 2 प्रजातियां जो इंडियन पेंगोलिन है और एक प्रजाति जो है वो चीनी पेंगोलिन। ये ही दोनों भारत में पाई जाती है, इंडियन पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन, यही दोनों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 8 प्रजातियों में ये पहला और ये दूसरी प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्र, जितने भी व्यापक रूप से अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं
वहां पर हैं। उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छेड़कर ये शेष भारत में भी पाया जाता है। अगर शेष भारत में इसको देखने की कोशिश की जाए तो अभी हाल के दिनों में ये बिहार में भी देखने को मिला था, ये छत्तीसगढ़ में भी मिला था, झारखंड में भी मिला था। हालांकि मिलने के क्रम में लोगों ने यह संभावना व्यक्त की थी कि बाढ़ के पानी की वजह से ये वहां से बहकर क्या है आ गया है, वहां से बहकर वहां से आ गया है, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही थी। यहाँ यह प्रजाति अगर देखा जाए इस प्रजाति को तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ये पाई जाती है। भारत के साथ साथ उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें बांग्लादेश का भी नाम है, उसमें बांग्लादेश में भी पाई जाती है, उसमें पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, पाकिस्तान में भी है, थर्ड नेपाल में भी पाया जाता है ये, फोर्थ श्रीलंका में भी ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया। इंडियन पेंगोलिन को अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण है IUCN है वो लाल सूची में इसको संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। आप इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो IUCN है IUCN की अगर लिस्ट को देखा जाए तो जो IUCN संस्थान है, इस संस्थान ने जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो इंडियन पेंगोलिन है, जो भारत का पेंगोलिन है, उसको इंडेंजर्ड स्थिति में रखा हुआ है, इंडेंजर्ड में, जबकि चीनी पेंगोलिन को गंभीर रूप से क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में इसको स्थान दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग क्यों है, ये इतना ज़्यादा इसका डिमांड क्यों है चीनी जो पेंगोलिन है या जो ये पेंगोलिन है इसको लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पर हो हल्ला क्यों है। तो बेसिकली जो ये पेंगोलिन है इसको लेकर इसलिए बहुत ज्यादा हो हल्ला है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका जो मांस है, जो इसका फ्लैश है, वो कहीं ना कहीं इसके फ्लैश का लोग यूज कर रहे हैं और ये माना जाता है कि इसका जो सबसे बेहतरीन यूज है उसका यूज सबसे ज्यादा बेहतरीन यूज किया जा रहा है। कहां पर इसका बेहतरीन यूज जो है वो सौंदर्य प्रसाधनों में और जो कहा जा सकता है कि यौन शक्ति बढ़ाने में भी इसका यूज बहुत होता है। ऐसे में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड को देखते हुए ये चाइना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और चाइना में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इंडिया से भी तस्करी होकर ये चाइना में पहुँच रहा है। तो जो चाइनी पेंगोलिन है वो तो ठीक ही है, इंडियन पेंगोलिन भी बहुत ज़्यादा व्यापक शिकार हो रहा है। चाइना में तो उसका व्यापक शिकार हुआ ही, इंडिया में भी इसका व्यापक शिकार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो भारत सरकार है वो इस पे सख्त है और इंडियन पेंगोलिन को लेके जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो भी सख्त है, साइट्स के अंतर्गत भी ये है। तो यहाँ पर जो उड़ीसा का वन विभाग है वहाँ पर उसने पेंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार को जांच करने के लिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हों चाहे वो उनकी निगरानी पर बल दिया, क्योंकि ये पूछा जाता है व्हाट्सएप पे कि क्या पेंगोलिन मिला, क्या पेंगोलिन का मांस है, आपके पेंगोलिन की ये सारी चीज़ें, तो इस पे भी वहाँ पर वो करने की बातचीत है ताकि कहीं ना कहीं इसके व्यापार को क्या किया जा सके, जो ट्रेड है उसके इलीगल ट्रेड को रोका जा सके। और भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, भारत सरकार प्रतिबद्ध है क्योंकि भारत में भी पेंगोलिन की स्थिति बड़ी खतरनाक है और भारत में भी अगर देखा जाए तो पेंगोलिन जो है वो लिमिटेड मात्रा में है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं IUCN ने इसको संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित भी कर रखा है। तो ये हो गया एक नेक्स्ट सवाल, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। जो अगला सवाल है वो मेरा गांव मेरी योजना है, चलते हैं अगले सवाल पे। मेरा गौरव योजना के संदर्भ में आप विचार करिए। जो ए है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में ICAR के द्वारा की गई थी। दूसरा, इस योजना के तहत वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अनुसार गांवों का चयन करने, चयनित गांवों के संपर्क में रहने तथा किसानों को निजी यात्राओं या टेलीफोन के माध्यम से तकनीक एवं कृषि से संबंधित अन्य पहलुओं की जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, केवल ए,
केवल बी ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। चलते हैं, यहां पर चलते हैं, आंसर जो है वो सी है, आंसर ए और बी दोनों सी है। अब जरा यहां पर हम लोग चलते हैं, इसकी इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो मेरा गांव मेरा गौरव योजना है, ये बेसिकली जो है वो शुरू होती है 2015 में, ये योजना शुरू होती है 2015 में, इसकी शुरुआत की जाती है, इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में की जाती है। इस योजना के तहत जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, उन साइंटिस्ट लोगों को ये सुविधा दी जाती है कि वो अपने हिसाब से क्या करें, गांव का चयन कर लें, विलेजेस को अपने चुनाव में ले लें, और ये गांव को चयन करके वहां पर क्या करें, वहां पर चयनित गांव के संपर्क में रहें, जो भी गांव है जिसको गांव को उन्होंने चयन किया उसके संपर्क में रहें, उसकी कनेक्टिविटी में रहें, और जब कनेक्टिविटी में रहें तो चयनित गांव में संपर्क में रहने के बाद यह यहां पर निजी यात्रा करें, वहां पर जाएं, या फिर टेलीफोन की कनेक्टिविटी से वहां से जुड़े रहें, और जो भी वहां पर संबंधित पहलू हैं, जिसका मतलब वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को डिनोट करें, वहां पर क्या प्रॉब्लम है, वहां की कृषि में कोई प्रॉब्लम हो या फिर वहां के अपने व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम को डिनोट्स करें, और वहां पर डिनोट करने के बाद कहीं ना कहीं इन पहलुओं की जानकारी प्रदान करें, और उसको प्रॉब्लम का सॉल्व आउट कैसे होगा, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इस जरूरत पर बल दें। तो ये अपने आप में एक बड़ी योजना है। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं इनके पास एक दूरदर्शिता है, किसी भी समस्या को हल करने का उपाय इनके पास है कि समस्या का हल कैसे किया जाए। इस समस्या का हल कैसे किया जाए, ये उपाय इनके पास यहां पर है। तो इन उपायों के तहत अगर हम देखें कि ये योजना शुरू की गई, और इस योजना के साथ साथ क्या होगा, अगर हम गांव में इस तरह के निराकरण का भाव रखेंगे कि गांव की जो समस्या है उस समस्या का अगर निराकरण हो जाए, तो इस तरह से गांव क्या होंगे, गांव जो है वो समृद्ध हो जाएंगे, और अगर गांव समृद्ध होगा तो गांव, अगर भारत के गांव गांव समृद्ध होंगे तो इस तरह से देश की समृद्धता जो है वह होगी, और या देश जो है वो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। तो ये भारत सरकार का एक लक्ष्य है। इसमें जो भारत सरकार ने कहा था, उसमें कहा था कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो भारत में वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों ने यहाँ पर कहा था कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो जिनको केवीकी कहा गया है, ये कहीं ना कहीं कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन एजेंसीज के साथ जो है सहायता से कार्य करें, और इसका जो उद्देश्य होगा, ये उद्देश्य ये होगा कि जो किसानों के साथ वैज्ञानिकों का इंटरफेस को बढ़ावा दिया जाए, और वैज्ञानिकों के इंटरफेस को बढ़ावा का देने का मतलब है कि जो इनकी लैंड है या जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो कहाँ तक जाएं, वो लैब तक जाएं, और लैब से फिर वो सॉल्यूशन होकर इन तक पहुंचे। तो जिससे क्या होगा, जिससे कहीं ना कहीं समृद्ध भारत, जो प्रॉस्पीरियस भारत का सपना है वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो कहाँ बसता है, तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है। हिंदुस्तान कहाँ बसता है, तो हिंदुस्तान गांव में बसता है। तो ऐसा जो गांव में बसने वाला हिंदुस्तान है वो क्या होगा, वो समृद्ध होगा। तो इसलिए ये परिकल्पना जो है, ये परिकल्पना की गई कि हिंदुस्तान समृद्ध जो है वो इसी तरह से हो सकता है। तो ये अब मेरा गौरव, जो मेरा भारत मेरा गौरव योजना है, उस योजना को 2015 में आईसीएआर के द्वारा शुरू किया गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, 1 सेकंड बस होल्ड कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आईसीएआर जो है, 1 सेकंड होल्ड करिएगा, मैं बता रहा हूँ। आईसीएआर
आईसीआर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, क्योंकि ये संस्थान बहुत इम्पोर्टेंट है और चूंकि ये संस्थान के बारे में हो सकता है सवाल ही जो है वो पूछ लिए, तो ये अपने आप में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है किस लिए, ये क्या करती क्या है? तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है, एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ावा देने के लिए है, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है, जो कृषि एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना है, उस कृषि एजुकेशन में कहीं ना कहीं रिसर्च को बढ़ावा देना है, रिसर्च को बढ़ावा देना है कि हमको जो कृषि है उसको कैसे करना चाहिए, तो वो इसके लिए है। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट बनती है, ये रिपोर्ट ये एग्रीकल्चर रिसर्च और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनको ये रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं, जो भी रिसर्च होती है, जो भी ये सब जानकारियाँ होती हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को रिपोर्ट करते हैं, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो इस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट आईसीआर बना के देती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को देती है, मिनिस्टर को देती है, उसको ये प्रेसिडेंट साहब को ले जाकर देते हैं और ये बताते हैं कि क्या है। और अगर देखा जाए तो ये आईसीआर अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जो लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। इसका अगर मोटो देखा जाए तो एग्रीकल्चर विथ अ ह्यूमन टच, इसका अगर मोटो हम लोग देखें, इसके मोटो को देखें, तो इसकी मोटो से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं जो मोटो है इसका, जो इसका काम करने का तरीका है, तो एग्री सर्च कहा गया है कि एग्री सर्च मतलब कहीं ना कहीं कृषि में सर्च को बढ़ावा देना, और विथ अ ह्यूमन टच, विथ अ ह्यूमन टच मतलब मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए या मानव के हितों का ध्यान रखते हुए। तो ये अंग्रेजी में ही थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, ये आजादी के पहले का संगठन है आईसीआर, 1929 में स्थापना हुई थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा। यूपीएससी यहीं पर क्या करती है, यूपीएससी ये पूछ लेगी कि आजादी के पहले का, या ये लाइन लिख के पूछ सक, ये लाइन आपसे लिख के पूछ सकती है कि ये जो संगठन है ये संगठन आजादी के बाद भारत में बना है, तो नहीं, ये आजादी के पहले का संगठन है। 16 जुलाई 1929 में ये संगठन स्थापना हुई थी जो है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। यह अवार्ड भी देती है, आईसीआर जो है वो अवार्ड भी देती है, तमाम तरह के अवार्ड जो है इसकी तरफ से दिए जाते हैं कृषि के क्षेत्रों में, ये अवार्ड भी देती है। तो मैंने ये आईसीआर के बारे में आपको ये अपडेट जो है मैंने आपको कर दिया। एक और लास्ट सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जो है वो थक भी गए होंगे, एक लास्ट सवाल लेते हैं, उस लास्ट सवाल को थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं। हाल ही में जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर, उसके अंतः विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने नेंद्रन केला से एक नया उत्पाद केला विकसित किया है। नेंद्रन केला के संदर्भ में विचार करें। देखिए, ये क्वेश्चन को जानबूझ के जो है थोड़ा बड़ा किया गया है, चूंकि आपको ये पता चल सके कि इस केले का जो विकास है वो कहीं कहीं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। तो ये जो नेंद्रन केला है इसके संदर्भ में एक सवाल है कि ये विचार करें, ये कहाँ का है? तमिलनाडु में उगाए जाने वाला चेंगोजिड्रा नेंद्रन केले को वर्ष 2014 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। पहली बात, इस फसल की खेती मुख्य रूप से जैविक तरीके से की जाती है और फसल की अवधि 13 से 14 माह होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। केवल ए, ए ऑप्शन केवल ए है, बी में केवल बी, सी में ए और बी दोनों, डी में ना तो ए ना ही बी। उत्तर का चुनाव आपकी जिम्मेदारी है, उत्तर का चुनाव आपकी जिम्मेदारी है। आंसर है बी, ए और बी, बी सही है, यहां पर बी सही है, ठीक है। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये जो तमिलनाडु लिखा हुआ ये गलत है, तमिलनाडु की जगह यह केरल में है, यह केरला में उगाया जाने वाला केला है, इसको नेंद्रन केला कहा गया है, नेंद्रन केला कहा गया है। और ये जो केला है इस केले में कहीं ना कहीं त्रिशूर जो जिला है, केरले का त्रिशूर जिला है, केरले का त्रिशूर जिला है, ये त्रिशूर जिला में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक केलों में से ये एक है। त्रिशूर जिले में ये लोकप्रिय जो पारंपरिक केला है, लोकप्रिय पारंपरिक केलों में से एक है। वहीं तैयार जो केला ग्रिट और इससे संबंधित उत्पाद जो है, इस केले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक स्वस्थ आहार है,
इस केले में एक स्वस्थ आहार है और पेट संबंधी रोगों के लिए ये केला जो है वो उपचार में बहुत सहायक होता है। पेट संबंधी रोगों के लिए इस केले को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा वो है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था वहां पर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पर तमिलनाडु का नहीं है। इस केले को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और अंतः विषयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने नेंद्रन केले का एक नया उत्पाद केला बनाया है, जिसको बनाना ग्रिट ग्रेन्यूल्स विकसित किया है, जिसको नेंद्रन केले के संदर्भ में भी कहा जाता है। इस केले में कहीं ना कहीं ये जो केला है ये पूरी तरह से जैविक खादों पे बना हुआ है और इसमें पेट संबंधी रोगों के उपचार और स्वास्थ्य आहार के आदर्श के रूप में ये जाना जाता है। तो आज के लिए मैं आप सभी लोगों को, देखिए मैं सभी लोगों को थैंक यू लिखता हूँ, चूंकि थैंक यू का नोट उपस्थित नहीं है तो मैं आपको थैंक यू लिख देता हूँ आप सभी लोगों का, चूंकि आप लोगों ने इतना लंबा समय दिया मुझे लगातार सुनते रहे। देखिए इसमें हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन आंसर खाली नहीं किया, हमने इस मैराथन सेशन में, जो हमारा मैराथन सेशन है, इस मैराथन सेशन में हमने जो करंट के जितने भी इवेंट्स थे, जो करंट के इवेंट्स थे उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमने पूरा डिस्क्रिप्टिव किया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप अपने लोगों तक इस क्लासेस को पहुंचाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि महीने भर में, चूंकि आरोहण की क्लास चलती ही है, आरोहण में करंट के सेशन मैं लेता ही हूँ, और आरोहण में करंट का जो सेशन है वो मॉर्निंग में 8 बजे मैं लेता हूँ, तो 8 बजे मॉर्निंग में, चूंकि आरोहण का सेशन यूपीएससी हिंदी पे मैं लेता हूँ, इस चैनल पे मैं ले लेता हूँ, मुकुल देव के नाम से, मुकुल देव के नाम से आप अगर चेक करेंगे तो आपको मैं मिलूंगा, तो ये सेशन आपको वहां पर मिलेगा ही। लेकिन जो चीजें छूट जा रही हैं उन छूटे हुए सेशंस को भी, उन करंट को भी, क्वेश्चन एंड आंसर को भी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सभी लोगों को, जो लोग लगातार मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उन लोगों ने लगातार मुझे सुना, उन लोग समझते रहे, चीजों को मेरे पे ध्यान देते रहे, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं।